अबे कहां गया तू? बाहर आने के लिए बोल रही है, वर्कआउट हो चुका है। क्या बाहर आने को बोल रही है? Is everything is okay? मजा आ गया। और लोगे? नहीं नहीं बस बस। अरे ले लो ना। अरे बस। You want one more? ये तुम्हारे नाम पर तारा। Love you, Tara. Hey, chal, udhe. Chalo, chalo. Chalo, chal, chal, chal. यार जल्दी चल। एक चल चल। ए, वो लोग कहाँ हैं? अबे छोड़ ना उसे। चल, जल्दी चल। ए, क्या है यार? अचानक से क्या प्रोग्राम है? जा, जा, जा। जल्दी कर। अभी ये लड़की कौन है? बैठ ले तू। मैं देख लूँगा। आज हमें छोड़ दे यार। ये पार्टी नहीं देता हूँ। बस ये समझ ले। जल्दी कर। अरे दोस्त आना यार। लेकिन ये चीज़ किसकी है? चल बैठ जा। अबे कहाँ जा रहा है ये तो बता। अरे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे आपको मेरी शादी है याद है ना? पास पास चल जल्दी चल। हाय वो हमारी जीप लेकर भाग रहे हैं। अरे अरे कैमरा ऑन कर यार। सबको यहाँ पे आ जाओ। चल यार कैमरा ऑन कर जल्दी। चल निकल। ए क्या है यार? ए ठीक से नहीं आ रहा हूँ। सभी लोग नहीं आ रहे। ठीक से खड़े हो। नीचे से लेना। मैं तुम्हें कहाँ से बनाऊंगा? क्यों? ठीक से लेना। हेलो चचा बताता हूँ। एक फोटो खींच दो। ये मैडम कौन है? मैडम जिगरी दोस्त है हमारी। हेलो मैडम। हेलो जैसे तो मोमेंट भैया आप किसको ना? अरे मुझे क्या पता। रेडी ब्रदर्स यो। ओए सब आओ नजदीक आओ। ओके ब्रो एक्सप्रेशंस रिपीट हुए हैं पर फोटोज एकदम मस्त हैं। फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर किसी पर भी डाल दो। जो भी फोटो देखेंगे आप मुझे याद करना। बात अच्छा चा। चलो ब्रो बाय बाय। कम बेबी कम। बाय ए ओपन करना। हो रहा है यार। अबे अपनी फोटो ले रहा था या हमारी? ए चाचा। चाचा नहीं बापू तेरा। ग्रुप फोटो खींचने को बोला तो सेल्फी खींच के चला गया। इस फोन का कवर तो बहुत अच्छा है। सिर्फ कवर? फोन अच्छा नहीं है क्या? फोन भी बहुत अच्छा है। तो फिर रख लो ना। नहीं सैयद। अरे परेशान मत करो चुपचाप रख लो। लड़की मांगे तो फोन क्या? ये मोटा अपनी किडनी निकाल के भी दे सकता है। कम से कम सिम तो ले लो उसमें कॉन्टैक्ट्स। सब यहाँ फीड है। इंसान ने फोन को बनाया है फोन ने इंसान को नहीं। देखना मुझे ऑस्कर जरूर मिलेगा मेरी मेमोरी पावर के लिए। ए बाबू थोड़ा ज्यादा ही हो रहा कुछ कम करेगा तो अच्छा होगा। इसीलिए रात में चपाती खाता हूँ मैं। हेलो। ए मामू रूम सेट कर दिया यार। वॉचमैन को सेट करके तुमको कॉल करता हूँ। तुम लोग रेडी रहना ठीक है? थैंक यू यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हुआ सब ठीक तो है ना? प्रदीप का कॉल था उसने सब कुछ सेट कर दिया। बस गाड़ी वहाँ पे रोक देना। ए, एक घंटा कहकर बाहर में ले आए आधा घंटा बोलकर बाहर ले आए। अब टाइम 3 बज चुके हैं। आज शाम को मेरी शादी है यार। प्लीज यार मेरी शादी से तो मत खेलो तुम लोग। अरे मामू प्लीज यार समझने की कोशिश कर यार। बड़ी मुश्किल से एक प्लेस सेट हुआ है बस आधे घंटे का काम है। तुम्हें फूलों पर रखकर घर छोड़ देंगे। इसे समझाओ ना यार। एक बार के लिए भाई प्लीज मान जा यार। ये सब बाद में भी देख सकते हैं। अभी तुम सब घर चलो मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो क्या? हम कभी और मिल सकते हैं? क्यों अभी क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है। अब 3:30 को NGBS से चमेला जाने वाली बस एक ही है। अगर वो मिल जाएगी तो वहाँ से मेरे गांव पूले पाली जाने वाली पहली बस मिलेगी। लेकिन ये सब अचानक? मेरी माँ की तबीयत खराब है मुझे उन्हें देखने का मन कर रहा है। अच्छी है कहानी बहुत अच्छी है। उससे बचने के लिए तुमने उस वक्त हमारा इस्तेमाल किया। अब हमारे पास से किसी और के पास जाने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ए तू चुप हो जा। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? मेरी माँ को लिवर कैंसर है। 2 महीने से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। रेस्टोरेंट जाने से पहले बहन ने कॉल करके बताया कि माँ सीरियस है।
यही बात उसे बताती तो उसे यकीन नहीं होता। यकीन ना करके मुझ पर और भी कड़ी नजर रखकर मुझे वहाँ से निकलने नहीं देता, यही सोचा। खुश नसीबी है कि आप लोग मुझे मिल गए। तुमने हमें इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी कहानी बनाई। एक काम करो, इसी बात को अपने फोन पर टाइप करके इमीडिएटली फेसबुक पर पोस्ट कर दो और नीचे अपना फोन नंबर अकाउंट नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलना। दया करने वाला तुम्हारा अकाउंट नंबर देख लेगा और मजा करने वाला तुम्हारा फोन नंबर देख लेगा। ए तेजा, तू ये क्या बकवास कर रहा है बे? नहीं तो क्या यार, इसकी झूठी कहानी पे हम लोग यकीन कर लेंगे? इसने हमें इतना बुद्धू समझा हुआ क्या? सब नाटक कर रही है। फ्रेंड होने के नाते तुम कुछ भी बोलोगे चुपचाप सुन लूंगा क्या? 2 घंटे पहले मिलने वाली लड़की के बारे में तुम क्या जानते हो जो इतना बुरा कह रहे हो? अपनी जरूरत के लिए वो थोड़ा सा क्लोजली क्या मूव हो गई? तुम लोग उसे गलत समझ रहे हो? क्यों, अपनी जरूरत के लिए कभी झूठ नहीं बोला है क्या? तुम्हें भी बाकियों की तरह बनना है क्या? ए, तुम्हारी नजर में वो अपनी माँ को बचाने के लिए जो भी कर रही है, अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं, जो जी में आएगा वो बोलेगा तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। ठीक है, चलो उसे बस स्टॉप तक छोड़ के आते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगा। ए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आना या नहीं? मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। ए, अबे। चलिए आप बैठिए। मेरे लिए मत लड़िए, उनका कहना मैं मान लेती हूँ, नहीं तो मैं दूसरी बस से चली जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, आपने हम पर भरोसा करके हमसे मदद मांगी है। वैसे भी उनके पूछने पर मैंने पार्टी नहीं दी क्या? कल शादी रखकर आज कोई भी ऐसा करता है क्या? फ्रेंड्स को वैल्यू देकर ही तो ये सब किया है। वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, आप बैठ जाइए, टाइम हो रहा है। चलिए यार। ये मलेश यादव है, यही तो रोज परेशान करता है पैसों के लिए। ये कौन है भैया? रात को हमसे भी ज्यादा बड़े बेवड़े निकले। तू यहीं रुक बे। ए, तू चल यार। सर सॉरी सर, सडनली आपको आते ही देखा नहीं। क्या बे, सडनली आएगा तो ठोक देगा क्या बे? हैं अपने भाई जो है ना, सडनली ही आते हैं। सर कहीं और रख के गाड़ी चला रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा और वो कौन है? तारा है भाई। अरे तारा है तो ऊपर होना चाहिए, नीचे क्या कर रही है? भाई प्लीज, भाई भाई छोड़ दो ना प्लीज। गाड़ी कौन ठीक करेगा? तेरा बाप? जाकर गाड़ी ठीक कर। प्लीज प्लीज। नाम के जैसे ही चमक रही हो। हाँ, कितने में बात हुई है? हाँ, बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो क्या? क्या लुक दे रही हो? हाँ, तुम्हारी आंखों में इतना पावर है तो बॉडी में कितना करंट होगा? चूने पर शौक तो नहीं लगेगा? इज्जत से पेश आओ। क्या बात है, बहुत उड़ रही हो, उन बटलों को देख कर ना। अरे मुझे देख, अच्छा लग रहा हो ना? आजा। वो बटली नहीं है, पंच मार दूंगी। अच्छा, अरे दुर्गा इसने पंच मारा, जरा हंस दे। मुझे हंसी नहीं आई, तुझे पूरी तरह से एंजॉय करने के बाद ही दिल खोल के हंसूंगा। ये ले। और पंच पे हंसी नहीं आती भाई, कुछ पंच से ब्लड भी आता है। चलो यार। डोंट लाई यू ब्लडी। What the hell are you talking, Naresh? मेहरबानी करके मुझ पर शक मत करो। I didn't do any kind of wrong with Kaushik last weekend. अपने ब्रदर के साथ वो घर आया था। He's a very good friend of my childhood, यार। You slept with him. I have seen his WhatsApp TP. वो फोटो हमारे बेडरूम की है। You are such a cheater. Naresh, hey, try to understand. Get lost. Leave me alone. एक हफ्ते शहर से बाहर गया तो तूने ये सब किया। अगर एक महीने शहर के बाहर चला गया तो पता नहीं कितनों के साथ enjoy करोगी तुम। Can't trust okay. you anymore. So you'll not listen to me, right? Huh? Just wait and watch what I can do in front of your eyes. I'll kill you right now. Better you listen to me. मैंने कुछ नहीं देखा मैडम। You bloody bugger! I will see you now. मैं क्या करती हूँ देखो। Oh what the hell man! Neha, please Neha. Neha, I'm sorry Neha. Please Neha, रुको। मेरी बात सुनो Neha. देखो मैं sorry बोल रहा हूँ। Neha. Go away. Neha. नेहा मेरी बात सुनो। नेहा आई एम सॉरी, देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ।
मेरी गलती थी, मैंने तुम पे शक किया। नेहा प्लीज, नेहा नेहा प्लीज। क्या कर रहे हो जी? नेहा जी, नेहा प्लीज, नेहा मुझसे गलती हो गई। नेहा मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुमसे, प्लीज ये सब मत करो। नेहा प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं जा रहा है ना नेहा, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज नेहा, प्लीज लिसन मी, अच्छे से देखना प्लीज नेहा, वन मोमेंट नेहा, ऐसा मत करो नेहा प्लीज, नेहा प्लीज। ओ शिट, सर चकेला बस कितने बजे की है? ऑलरेडी एक बस जा चुकी है भाई। ओह नो, ठीक है मैं नेक्स्ट बस में चली जाऊंगी। नहीं आप इसी बस से जाओगी, बैठिए। तारा ये वही वाली बस है ना? नहीं वो नहीं है। हे विष्णु वो है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस रोकिए, बस रोकिए, बस रुकिए, रुकिए, अरे बस रोकिए प्लीज, बस रुकिए। कैसी बस है यार? स्टॉप स्टॉप, बस रोकिए। अरे जल्दी करना, डीजल खत्म हो गया। अरे वो आगे निकल रही है, इसी वक्त डीजल को खत्म होना था। ओह शिट शिट, अब क्या करें? शिट, कैसी गाड़ी है यार? टाइम नहीं है, जल्दी करो। ओ गाड़ी पीछे लो। भैया गाड़ी में डीजल पूरी तरह खत्म हो गया, काफी दूर से धक्के मार के लाए हैं, आप ही थोड़ा रिवर्स में ले लीजिए प्लीज। क्या रिवर्स करें? हमें और हमारी गाड़ी को पीछे जाने की आदत नहीं है, समझा? आज तक इसे रिवर्स गियर में डाला ही नहीं। सर को शादी में जाना है, चुपचाप गाड़ी पीछे लो। तुम्हारे सर को शादी देखने जाना है और मुझे शादी करने जाना है, थोड़ा सब करो। ए टलवाना, ए भाई तू भरना, चल। भैया वो क्या है ना कि ये पंप खराब हो गया। अब क्या कह रहा है? ए मैंने बोला ना हटा। क्या बोल रहे हो? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्या रे, गाड़ी हटाने बोला तो रुबाब दिखा रहा है। ओ साथ में लड़की है ना, ये लड़की है या आइटम है? हाँ हाँ, जो तुम्हारी कार में है वो कौन है? स्टॉप स्टॉप, अरे कब से चिल्ला रहे हो? गाड़ी रोको, अरे रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। थैंक्स विष्णु, आप लोगों की मदद जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इट्स ओके तारा, तारा तारा वन सेकंड, ये लो इसे रखो। थैंक यू विष्णु। हाँ चलो चलो, बाय बाय। चलो यार, स्वागतम सुस्वागतम। हमारा प्रिय मित्र अपनी भूख और जरूरत को जानकर अपनी जेब से, हमारा मतलब अपनी जिंदगी के अर्थ को समझने वाले हमारे विष्णु की सगाई वंदना के साथ होने जा रही है। विष्णु तेजा सैयद प्रदीप के साथ सबका अभिनंदन। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? नए वधु और वर की सगाई होने जा रही है, उसकी तस्वीर खींचने की बजाय तुम उसके सामने खंभे की तरह खड़े हो गए हो। बिकी हुई चीज का एडवर्टाइजमेंट क्यों करना चाहिए गुरुजी? वैसे भी हमारी खूबसूरती देखकर कोई तो सामने आएगी, बस यही हमारी आशा है। वाह बहुत ही अच्छी नजर है तुम्हारी गुरुजी, सब आपका आशीर्वाद है। ज्यादा आगे नजर रखोगे ना तो हानिकारक होता है, तुम पीछे रह जाओगे। छोड़िए गुरुजी, पहले वर वधु को सगाई करवा दें। चलो दीदी रेडी हो ना? हाँ ओके। भैया आप? हाँ ओके, खींचो। स्माइल, थोड़ा सा और पास आइए, और आप थोड़ा सा लेफ्ट आइए, ठीक है ना? थोड़ा प्यार से मुस्कुराइए। ऐसे नहीं दीदी, टीवी सिनेमा नहीं देखती। ये ठीक है। एक और। अच्छी है ना? ये सब शादी के बाद कर लेना, अब अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ।
यजमान, इनके नाम के मुताबिक अगले शुक्रवार की शाम को 6:31 पर अद्भुत मुहूर्त निकल रहा है। अगर ये मुहूर्त निकल जाएगा तो जातक के मुताबिक 51 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं निकलेगा। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी इसी मुहूर्त में होगी। क्या कहते हैं भाई साहब? ये तो खुशी की बात है, रसम शुरू कीजिए। खुशी की बात है, रसम पूरी कीजिए ना। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाद सादृगे शरण्ये त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। थैला बहुत भारी हो गया, लगता अच्छे से लूट लिया। कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ठीक है विष्णु जी। गुरु जी, तुम्हारी सगाई बहुत अच्छे से हो गई। ठीक है गुरु, और अब तुम्हारी शादी भी अच्छे से करवाएंगे बेटा। अच्छा तो बेटा, अब हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरु। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे यार, गुरु जी के ऑल द बेस्ट कहने का कुछ और ही मतलब है। तुम बहुत शार्प हो बेटा, अच्छे से कैच कर लिया। तुम्हारी शादी भी ना मैं बहुत अच्छे से कैच करूंगा। चलो चलो, बाय। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोला तो मैं कुछ और ही समझा यार। हेलो। देख भाई, मैंने कैंटीन वाले को 400 प्लेट्स का एडवांस दे दिया है, और वो जो फ्लावर डेकोरेशन वाला है बहुत मचमच कर रहा था, मैंने मना कर दिया। ठीक है यार। ठीक नहीं है, अभी एक काम बैलेंस है भाई। क्या है वो? पार्टी, और क्या। अच्छा वो आ यार। ए, शादी के बाद देता हूँ। शादी के बाद देने वाली पार्टी को बैचलर पार्टी नहीं कहते, समझा? जब से तेरी एंगेजमेंट हुई है उसके बाद से मेरे पास बहुत सारी बुकिंग आई थी, लेकिन मैंने एक भी नहीं ली। ए, पार्टी दे दे मेरे भाई, दे देना यार। ओए, कल के दिन ही तो शादी है, तो आज मैं पार्टी कैसे दे सकता हूँ? तेरी शादी होने में अभी 36 घंटे बचे हैं, तू अपने दोस्त के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता? ना कहूंगा तो नाराज हो जाएगा। ठीक है यार, शाम को मिलते हैं। पार्टी पार्टी का कर दिमाग खा गया, अब वो सैयद कहाँ मर गया? यहाँ किसी को भी टाइम की परवाह नहीं है, ना पार्टी से प्यार है, क्या कर सकते हैं? पता नहीं वो कहाँ है। ए, मुझे लगता है ये तो फ्रस्ट्रेशन में है। तू सैयद को फोन लगा। उसी को लगा रहा। ठीक है ठीक है। ए सैयद, कहाँ है तू? भाई रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ मैं। ए, मैंने लैंडलाइन पे फोन किया भाई। सॉरी यार, कस्टमर है, बस यूं आया। अब तेरी तो क्या बोल रहा है, काउंटर पे बैठ के कहानी सुना रहा है। उसके बारे में तो पता ही है ना। 21, 22, 23, 24। सलाम अलैकुम भाई। भाई को इंसान या इज्जत से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। पैसा कब देगा बे? मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। ए, ये मलेशिया तो टाइम पर आने के अलावा टाइम नहीं देता। इस बार पूरे पैसे दे दूंगा, तब तक आप ये ब्याज के पैसे रखिए। ब्याज बराबर देते समय असल याद नहीं आता? अगर इस बार टाइम पर नहीं दिया तो तुम्हारी शॉप में ही समाधि बना दूंगा। उसकी तो मैं उसे चीर के रख दूंगा, पैसे खा के मर जाएगा वो। उसका ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा है। अगर वो दोबारा मेरे सामने आया तो कुचल कुचल के मारूंगा उसे। अरे भाई, हुआ क्या? तूने ऑर्डर दिया? अरे छोटू, इधर आ। यस सर। बोलिए सर। ए, तुम्हें जो भी चाहिए ऑर्डर दे दो। क्यों, तुझे क्या हुआ? अरे बोला ना यार, नहीं पीऊंगा। ए, फ्रेंडशिप का मतलब गाड़ी के 4 टायर होते हैं, उसमें से अगर एक भी पंचर हो जाए तो बाकी के 3 भी नहीं चलते। सबको मिलकर पीना होगा, वरना कोई भी नहीं पीगा। ठीक है तो फिर बोल दो। पहले मेरी बारी। अरे छोटू, कुछ ऐसा पिला जिससे बॉडी में हलचल आ जाए। दे सकता हूँ सर, उसका रेट ज्यादा होगा। मास्टर, ये अपनी जिंदगी की लास्ट बैचलर पार्टी दे रहा है, रेट ज्यादा भी चलेगा लेकिन किक कम नहीं होनी चाहिए। पीते ही दिमाग में हलचल, जा। ये तो पीने से पहले ही पागल हो गया। मेरी बात सुनो, तुम कौन सा ब्रांड लाओगे मैं नहीं जानता, पर हम तुम्हें इतनी टिप देंगे कि तुम माला माल हो जाओगे, इसीलिए जो सबसे बेस्ट है वही लेकर आना। यहाँ मिलने वाले टिप से मैं उधार चुकाता हूँ, इन्हें पता नहीं है। ओके सर। अबे क्या हो रहा है? ये कहाँ देख रहे हो यार? बोल रे कुमार। भाई वो हमें पहले अमाउंट देने वाला था ना, अब बोला नहीं है। नानी, उसे बोलो ना गोलू नानी ने बोला है, नहीं दिया तो मार दिया जाएगा।
नाम के हिसाब से रिंगटोन अच्छा रखा है। नानी है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि किरावनी ने इसके लिए एक सॉन्ग कंपोज किया है। अच्छे से। चाहे किसी का भी कॉल आए बोलना आज भाई बिजी है, आज मैं अपना पूरा टाइम अपनी तारा के साथ बिताऊंगा। मैं बाहर जाता हूँ। अबे कब आएगा डीएसपी? हाँ बोलिए पापा। अरे विष्णु, अर्णव की बुआ को वेडिंग कार्ड नहीं दिया तुमने? दिया ना पापा, वो मंदिर गए थे इसलिए पड़ोसी को बोल कर दे आया। ठीक है बेटा, अभी तुम कहाँ हो? भाई अपने सैयद और बाकी सबके साथ। क्या बोल रहे तू? इंटरनेट के लिए आए थे पापा, फॉरेन के फ्रेंड्स को वेडिंग कार्ड्स मेल करने हैं ना। ठीक है जल्दी काम निपटा कराओ। ठीक है पापा। सर आपके पापा डीएसपी हैं? नहीं चंटी, डीएसपी यानी दुवूरी श्रीनिवास प्रसाद है। कॉलेज में रैगिंग से बचने के लिए तब से फीड कर रखा था, अभी भी कंटिन्यू हो गया है। ओहो। सर हेलो सर, आपको ही बोल रहा हूँ सर। ओए जवाब देना। सोडा या थम्स अप? डाल दे जो डालना है। टाइम हो रहा है यार, शुरू करें क्या? ए, शुरू करें क्या? शुरू करते हैं। हाँ, चीयर्स। वंदना। हाय स्वीटहार्ट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? मैं ना कैसे नीचे उतरूं वो सोच रहा था। क्या? अरे वो बहुत बहुत सुस्ती चाह रही थी इसलिए सोच रहा था बेड से नीचे कैसे उतरूं। पता नहीं विष्णु, तुम्हारे साथ शादी हो रही है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस ना काफी मुश्किल है। सुबह सुबह ही उठा दिया यार। वंदना रोज इस तरह लेट उठना नहीं चलेगा, जल्दी उठकर आ जाओ। सुन लिया ना, यही मेरा हाल है, लेट हो जाऊंगी तो अंदर भी आ जाएगी। हाँ हंसना बंद करो। वंदना आ रही हो या नहीं? हाँ माँ आ रही हूँ। ओके बाय बाय। बाय। शिट। हाँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ हो तुम? अभी ऑफिस में हूँ पापा, रात को करीब करीब घर पहुँचने तक यूएस क्लाइंट्स लाइन पे है कहकर ऑफिस से फोन आया था, बात करके तुरंत मैंने घर आने का ही सोचा था लेकिन अब तक नहीं छोड़ा है। ये सब क्या है बेटा, अपनी शादी के लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा, अभी उतर के आता हूँ। कहाँ से उतरना है बेटा? वो पापा ड्यूटी से उतर के आता हूँ। हाँ ठीक है जल्दी आओ। ओह गॉड, कैसे होगा रे बाबा, डोर खुल नहीं रहा और यहाँ से उतर नहीं सकता। भैया हेलो,
रेड चीफ, भैया आपको ही। अरे ये तो वही रात वाला है। भैया प्लीज सेव मी, भैया हेल्प कीजिए ना, नीचे उतरना है। इसे हेल्प चाहिए, इसकी तो हम अच्छी तरह से हेल्प करेंगे। एक बार नीचे तो आए, फिर देखना कैसी हेल्प करता हूँ। ये तो गया काम से। आने दो भैया, आने दो। बस 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 बस, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे शक नहीं होना चाहिए। आ जाओ आराम से। थैंक यू भैया। अरे भैया क्या कर, अरे भैया ये क्या जादू है वंदना, दिन ब दिन चमकती जा रही हो, हमें भी इसका राज बता दो। खुश रहने वाले हमेशा खूबसूरत ही दिखते हैं चाची जी, और जिससे प्यार किया उसी से शादी भी हो रही है। अरे वाह, हमें भी तो बताओ क्या कहानी है, हम भी तो सुने। वो एक बहुत लंबी कहानी है यार। गुड मॉर्निंग मम्मी, नाश्ते में क्या बनाया है? ये क्या है, 10 बज चुके हैं और तुम अब सोकर उठ रही हो? दूसरी ओर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। थोड़ा जल्दी उठकर वॉकिंग पर या जॉगिंग पर जा सकती हो ना, थोड़ी सी पतली हो जाओगी तो दिखने में और भी खूबसूरत लगोगी। क्यों मैम साहब, बुक ओपन किया है क्या? उसके हाथ में फोन है और तुम बुक के बारे में पूछ रही हो? अरे मैम साहब फेसबुक। हाँ मुंह बंद कर, मैंने OLX ओपन किया है, उसमें ट्रेडमिल देख रही हूँ। क्या कहा, हमारे घर में सेकंड हैंड चीज आएगी? हाँ पापा। क्यों बेटी, अरे नया ही खरीद लो ना। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने इस्तेमाल करूंगी, इसके लिए इतना खर्च क्यों करूँ? वैसे भी अगले महीने माँ का बर्थडे आ रहा है, इनके लिए कुछ अच्छा सा खरीद लीजिएगा। ठीक है बेटी, मेरा बैंक का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ। ओके बाय पापा। हेलो, मैं वंदना बोल रही हूँ। OLX पर आपने जो ट्रेडमिल का पोस्ट डाला है उसी के लिए कॉल किया। हाँ बोलिए। उसे लिए हुए कितना वक्त हो गया? जस्ट 3 मंथ्स हुए हैं, लास्ट 1 मंथ से तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अच्छा, पर ये क्या, आपने दाम इतना कम रखा है? एक्चुअली हम लोग खरीदी हुई चीजों को बेचते नहीं है, ऐसा सोचकर उसे मुफ्त में भी तो नहीं दे सकते ना। So, option मिला तो just post कर दिया था। ठीक है, मैं शाम को आकर देखती हूँ। हाँ चलेगा, थैंक यू। अरे माँ, शाम को ट्रेडमिल देखने को आने वाला है, पास रहकर दिखा देना। ठीक है, बाय बाय। अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ, हाँ ध्यान रखना। विष्णु जी है क्या? आइए ना। ट्रेडमिल देखने आने वाली है, मेरे बेटे ने कहा था, आप ही लोग हैं? जी हाँ। बैठिए। वो ट्रेडमिल मेरे बेटे ने मेरे लिए खरीदा था, चेस्ट पेन होने पर कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया था, डेली वॉकिंग करने के लिए उसने कहा। 2 महीने मैंने ट्रेडमिल के ऊपर वॉकिंग की तो पैर में दर्द शुरू हो गया। पैर का दर्द दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि आपको तुरंत वॉकिंग करना छोड़ देना चाहिए। कौन से डॉक्टर की बात सच है पता ही नहीं चलता, अभी तक वो ऐसे ही पड़ा है। इनके सामने भी शुरू हो गए? ये जोक मेरे पापा 100 लोगों को सुना चुके हैं और आप 101 भी हैं। मजाक कर रहा हूँ पापा। यही है मेरा बेटा विष्णु। कॉफी लो ना बेटा। नहीं आंटी, कॉफी की आदत नहीं है, दरअसल बचपन से ही इसे दूध से एलर्जी है। देखो हमारे विष्णु के नाम से हमारे घर आने वाली तुम ही पहली लड़की हो, इसलिए प्यार से कॉफी बनाकर लाई थी। कोई बात नहीं। आंटी दे दीजिए। वाओ आंटी, कॉफी तो बहुत अच्छी है। कॉफी इतनी टेस्टी होती है मुझे अभी पता चला, बहुत मिस कर चुकी हूँ। एक बार ट्रेडमिल देख सकती हूँ क्या? श्योर, आइए एक बार ट्राई करेंगे। नो इट्स ओके, प्लीज ट्राई इट। ओके। हे, केयरफुल। कैसे मुझको संभालो ना। हेलो। हेलो विष्णु जी। जी बोलिए। आपने ट्रेडमिल तो दे दिया लेकिन उसका बिल नहीं दिया। माफ कीजिए, देना भूल गया। आप बुरा नहीं माने तो लाके दे देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं। ओके जी, थैंक यू। मेरा बंधन तुझसे कभी टूटेगा न सनम, करो
मुझको नहीं है पता, बस यही अब मेरी मर्जी, तेरे लिए अब मैं क्या करती, तुझ पे ही जीती तुझ पे ही मरती, तुझ बिन रह नहीं सकती, ये छोटी छोटी सी बातों से ही प्यार बढ़ेगा, मैं खुद को अब रोकूं कैसे, तेरा भी क्या कहना। हाय हाय, ये लीजिए ये रहा बिल, अंदर आइए ना। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं निकलता हूँ। नो नो प्लीज कम इनसाइड, अंदर आ जाओ बेटा, आइए। ओके, तुम्हारी मम्मी जितनी अच्छी कॉफी तो मुझे बनानी नहीं आती, लेकिन मैंने थोड़ी कोशिश की है। थैंक यू आंटी। तुम्हारी मम्मी को धन्यवाद कहना बेटा, उनकी वजह से इसने कॉफी पीना शुरू कर दिया है। वैसे विष्णु जी, आपको जब भी कॉल करो एक गाना सुनाई देता है। हाँ तो? जिस गाने को सुनकर एंजॉय ना कर सके उसके लिए मंथली 30 रुपीज क्यों वेस्ट करते हैं? अरे वो मेरे माता पिता का पसंदीदा गाना है, मुझे ज्यादातर उन्हीं का कॉल आता है। वैसे भी माता पिता की खुशी से ज्यादा पैसा बड़ा थोड़ी होता है। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। और बोलो, तुम्हारी इतना ट्रेडमिल मैं तो नहीं कर सकती हूँ। हे हेलो हेलो, विष्णु जी कहाँ हैं आप? मैं अभी कुक्कटपल्ली फोरम मॉल के पास हूँ। वैसे आपके ट्रेडमिल की वारंटी है ऐसा ओएलएक्स पर लिखा था ना? हाँ, और 8 महीने की है ना, तो फिर तो वो देना चाहिए ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बिल दिखाएंगे तो भी चलेगा। तो क्या नहीं दे पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम से बाहर जा रहा था मैं। अर्जेंट है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो फिर काम होने के बाद कॉल कीजिएगा। ओके श्योर, बाय बाय। इम्पोर्टेंट भी कह रहा है और लड़की के साथ जा भी रहा है, क्या बात हो सकती है? पता नहीं यार। ए, कहाँ जा रही हूँ? मैं आने के बाद बताती हूँ। कौन हो सकती है ये? इस वक्त होटल में क्यों जा रहा है? वो रहा, चलो। क्यों रे, इस ओवर की लास्ट बॉल मिस हो जाएगी ऐसा लग रहा है? 2 घंटे के मैच में एक बॉल मिस हो जाएगी तुम ये सोचकर घबरा रहे हो, और 2 दिन से तुम घर नहीं गए ये सोचकर ये कितना घबरा रहे हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं घबरा रही हूँ या फिर तुम्हें मिस कर रही हूँ ये जानने की पोजीशन में तुम हो ही नहीं शिवम। अच्छा तो उसकी तरफ से है। ये बताओ इसकी गलती क्या है? हमारी फैमिली को खुश रखने के लिए ये नौकरी कर रही है ना? मेरे नाइट शिफ्ट है और इसकी डे शिफ्ट है। जब मैं घर पर होता हूँ तब ये घर पर नहीं होती, और जब ये घर पर होती तब मैं नहीं होता। हम दोनों ने शादी इसलिए की ताकि साथ मिलकर जिंदगी बिता सके, इसलिए इसे जॉब छोड़ने के लिए बोला और ये मना कर रही है। एक काम कर, तू ही छोड़ दे। ये कैसे हो सकता है यार? ये इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो पाने के लिए कितनी मेहनत लग जाती है पता है तुम्हें? ऐसे में उसकी मेहनत को किचन में ले जाकर रखना है क्या? शादी के लिए अपने माँ बाप छोड़ाई और हमारे लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देती है, और परिवार के लिए पसंद भी छोड़नी पड़ती है। ऐसा ही है, सब कुछ छोड़ देना तो एक दिन अपनी जान भी छोड़नी पड़ जाएगी। अपना घर छोड़ने के बाद कितनी भी तकलीफें आए, ये हमेशा उतनी हिम्मत से तुम्हारे साथ रहती है। जब तक हमें तकलीफ नहीं होती तब तक इनके लिए हम कुछ नहीं सोचते। असल में ऐसा दिन देखना ही ना पड़े उसके लिए पहले से मेहनत करती हैं। यही तो है इनमें और हम में असली फर्क। हाँ।
हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है। शनिवार को सिनेमा जा सकते हो, रविवार को मिलकर कुक कर सकते हो, दोनों मिलकर आने वाले वीकेंड में जमकर मजा कर सकते हो। ऐसी खुशी पैसों से नहीं मिलती। किसी भी कपल के लिए इससे अच्छी लाइफ हो सकती है क्या? सही बोल रहा यार, मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गया था। एक वक्त था जब मैं इसकी खुशी का कारण होता था और आज आंसू का कारण बन गया। गलती हो गई यार, आई एम सॉरी। मुझे मत कहो, उससे कहो। आई एम सॉरी सीमा। थैंक यू विष्णु। बाय यार। बाय। हेलो। हाँ, कहाँ पर हैं आप? यही हूँ। ओह हाय, आप यहाँ? वो दोनों कहीं जुदा ना हो जाए ये सोचकर घबरा गई थी मैं। आप जैसा फ्रेंड मिलना तो सचमुच उनकी खुशनसीबी है। थैंक यू। बाय द वे, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ओह, ऑल द बेस्ट। वैसे भी ना नसीब चाहिए आप जैसे लोग मिलने के लिए। आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। मेरा बंधन तुझसे कभी टूटेगा ना सनम, करू के ना मैं करू मुझको नहीं है पता, बस यही अब मेरी मर्जी, तेरे लिए अब मैं क्या करती, तुझ पे ही जीती तुझ पे ही मरती, तुझ बिन रह नहीं सकती। ये छोटी छोटी सी बातों से ही प्यार बढ़ेगा, मैं खुद को अब रोकू कैसे, तेरा भी क्या कहना। माँ, क्या बात है बेटी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। पापा से कहो मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद करे। माँ क्यों? मुझे बस विष्णु ही पसंद है। इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? लेकिन शादी से पहले हर लड़की सोचती है उसका पति कैसा होगा, सास ससुर कैसे होंगे, और लड़की के माता पिता को कैसे देखेगा, कई सवाल होते हैं ऐसे। माँ आंटी अंकल से मिलने के बाद ऐसा लगता है वो बहू से ज्यादा बेटी जैसा रखेंगे मुझे। विष्णु को देखने के बाद लगा वो आप लोगों का भी अपने पेरेंट्स की तरह ही ख्याल रखेगा। माँ शादी के बाद अपनी लाइफ पार्टनर को कितने अच्छे से समझेगा ये थोड़ी देर पहले ही विष्णु के अपने फ्रेंड से बात करके ही पता चला, इसलिए मुझे हर तरह से विष्णु ही सही लगता है। माँ हाँ बेटी, विष्णु से मुलाकात के बाद और उसकी फैमिली से मिलने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। पापा के आते ही मैं बात करती हूँ। ओके, थैंक यू माँ। हेलो। हेलो विष्णु जी। बोलिए वंदना जी। ट्रेडमिल स्टक हो गया है, बेल्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। इसका वारंटी कार्ड लेकर आएंगे क्या? ओके, गारंटी के साथ आऊंगा। यस। पापा, आज आप अपने बैंक 10 मिनट लेट जाओगे क्या? क्यों बेटी? रात को बताया था ना जी, वो OLX वाला लड़का आने वाला है। अच्छा, तो दामाद जी आने वाले हैं। होने वाले दामाद जी के लिए 10 मिनट क्या बेटी, 10 दिन भी वेट कर सकता हूँ। लगता आ गया पापा। आंटी आई आई, कैसी हो? माँ माँ देखो कौन आया है। नमस्ते। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? हाँ। सब आइए बैठिए ना। तुम इसे ही पसंद करती हो? हाँ पापा। अगर बोलती कि बैंक के प्यून से प्यार करती हो तो उससे शादी करवा देता मैं तुम्हारी, लेकिन इस आवारा के साथ कभी नहीं करवाऊंगा। मुझे नहीं पता था ये आने वाला है, नहीं तो इसके लिए 10 मिनट क्या 10 सेकंड, 10 सेकंड भी वेट करना वेस्ट है। किस मुंह से खड़े हैं ये लोग यहाँ पर, जाने के लिए बोलो। चलो माँ। विष्णु विष्णु रुको, विष्णु क्या हुआ है आखिर? हमारे फैसले बदल सकते हैं लेकिन सच कभी नहीं बदलता वंदना। बाय, चलते हैं आंटी। चलो माँ। बेटा वंदना जल्दी से नहाकर आओगी या नहीं? टाइम हो रहा है, रेडी होना है, आ जाओ। आ, 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 आ,
भगवान हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देते हैं, ये सच है। मैंने इतनी मेहनत से कब्जा करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो मेरे साथ भगवान भी तो होना चाहिए ना, और तू कहता है कि ये सब इल्लीगल है। ए, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है या कोई जमीन पसंद आती है तो उसे मैं मर के भी नहीं छोड़ता। ये वही आंखें हैं ना जो मुझे मेहनत करते हुए देख नहीं पाती। अगर तू अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा तभी तेरी आंखें बच सकती है। सर, मैं वापस ले लूंगा सर। सर, मैं वापस ले लूंगा। नहीं 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 सर, प्लीज सर, ऐसा मत करो सर। बोल, क्या चाहिए? बूंद या आंखें? सर, मैं केस वापस ले लूंगा सर, वापस ले लूंगा। गुड। डरने वाला हमेशा खुश रहता है, याद रखना। ए राजू भाई, इसे लेके जा। अब इसे लेकर आ। साहब सोकर काफी थक गए होंगे, ए पूछ रहे इससे क्या चाहिए? सर, एक कप चाय मिलेगी? बस चाय ही तो मांगी थी मैंने। मेरा ट्रीटमेंट ऐसा ही रहता है। रात को क्या हुआ, याद है कुछ? अरे कुछ किया होगा तभी तो लाए होगे, आप ही बताओ। कितने लोग हो तुम लोग? मैं और मेरा भाई, एक बहन भी है, वो भाग गई तो हम उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानते। ए, मैं तेरी फैमिली की डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बैच में कितने लोग हैं वो बता। अच्छा, वो 10th क्लास में 26 थे, इंटर में 42 थे। मुझे मारना बंद करो वरना नहीं बताऊंगा मैं। यो बे, ड्रामा प्ले कर रहा है? रात को हलचल मचाकर मेरा गन चुरा कर ले जाने वाले गैंग में कितने लोग हैं तेरे? मुझे मिलाकर 4 लोग हैं। बाकी 3 कहां पर हैं? कंप्लेंट रजिस्टर ले आओ, कांस्टेबल के साथ जाके ढूंढ लो। लगा लगा फोन लगा दोस्तों को। सर नंबर बताइए ना। तेरे फ्रेंड्स के नंबर मेरे पास कहां से होंगे? सर मुझे याद नहीं है। नाटक कर रहा है तू? मां कसम सर, मां का नंबर भी याद नहीं है सर। यस। लिफ्ट, लिफ्ट बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, उसे ले लो। लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज आंटी, लिफ्ट आंटी, आंटी लिफ्ट प्लीज। थैंक्स आंटी। जितना आपका दिल बड़ा है उतनी ये सीट बड़ी नहीं है। गाड़ी रोकने के लिए थैंक्स, आप जा सकते हैं। निकम्मा कहीं का। ये क्या है बे? इतनी मार खाने के बाद सच बाहर निकलना चाहिए, खून नहीं। सर मेरा यकीन करिए सर, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। ए, तारा को ले जाकर तुमने क्या किया बताएगा या फिर मरेगा? आज रात को अपनी शादी रखकर मैं उसे लेकर जाके क्या करूंगा सर? आज शाम को शादी है तेरी? हाँ सर, आज शाम के 6:31 को JK फंक्शन हॉल में मेरी शादी है सर, सच में सर। अरे राजू, शाम को इसकी शादी है और फिर भी इतनी गंदी सोच रखता है? ऐसा कुछ नहीं है। तारा को ले जाकर तुम लोगों ने क्या क्या बताएगा या फिर मरेगा? भाई फोन है, क्या करो? काट दे। बोलो कुमार, उससे कहो कि ना गोलू नानी ने बोला है, ये बताता है कि मार खाएगा। वैसे भी इसने अपने नाम के हिसाब से रिंगटोन अच्छा रखा है, नानी है ना? याद आया सर, टाइम हो रहा है यार, शुरू करें क्या? चीयर्स। क्या बात है, यहाँ तो सब बिजी हैं। ए, यहाँ पर ऑर्डर कौन ले रहा है? इधर आ रहा है छोटो। क्या रे, हमारे बुलाने पर भी नहीं आता क्या वो? ए, भाई के बुलाने पर क्यों नहीं आ रहे? उस गन को देख कितनी मस्त लग रही है। सच में बहुत चमक रही है यार। सच में बहुत चमक रही है। क्या मस्त बंदी है। सेक्सी पीस है भाई, बहुत सेक्सी है यार। बिना छुए ही मेरा तो मूड बन गया। एक बंदूक का दीवाना है और दूसरा लड़की का। हद तेरी। अश्रु।
वॉशरूम जाकर आती हूँ। कहाँ जा रहा है बे? हाथ जोड़ता हूँ यार, अर्जेंट है, जाने दे प्लीज। यार तो मारूंगा, ज्यादा नाटक मत कर, बैठ अभी, टाइम भी पूरा हो रहा है, चल बैठ। समझा कर यार, कौन बनेगा करोड़पति में जैसे अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, मुझे उतनी खुशी हो रही है, प्लीज यार। ए, रुक बे। ए, मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे यार, मुझसे कभी ना पटने वाली फिगर फट चुकी है, जाने दे यार। अबे अबे ऐसा भी क्या, क्या उतावला हो रहा है? अब तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक बार उसकी गन हाथ में लेकर संगम स्टाइल में सेल्फी लेनी है यार। गन में बुलेट्स तो है ना? पुल्ले लोड़े ने भाई। वो देखने में बहुत भयानक लग रहा है, इतना रिस्क लेना जरूरी है क्या? आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। इसे पागलपन कब से चढ़ गया? अरे दिन भर फिल्म देखता रहता है और क्या करेगा। सर सर क्या, अरे दारू चाहिए क्या? सर गन चाहिए, एक सेल्फी लेनी है मुझे। सेल्फी? अरे हमने कुल्फी भी सुना, बर्फी भी सुना है, पर ये सेल्फी क्या होता है बे? तुझे पता है क्या सेल्फी क्या होता है? मुझे पता होता तो आपके साथ थोड़ी रहता। तेरी इज्जत का कचरा करवाता है। वो क्या है सर, फोन में एक बैक कैमरा होता है, एक फ्रंट कैमरा होता है, इस तरह 2 कैमरे होते हैं सर। फ्रंट कैमरा से जो फोटो खींचते हैं उसे हम सेल्फी बोलते हैं सर। ऐसा क्या? अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम पर गोली चलाता हूँ और तुम सेल्फी ले लेना, एकदम बढ़िया रहेगा और जिंदगी भर याद भी रहेगा। सेल्फी ले ली इसने। ये लेडीज वॉशरूम है। लेडीज को शर्म नहीं आ रही तो वॉशरूम से क्या लेना देना? तुम क्या करते हो? जॉब नहीं मिला तो कैब खरीद कर चला रहा हूँ आजकल। और क्या करते हो? और तो कुछ भी नहीं करता। और कुछ नहीं करते तो मुझे देखकर फ्लाइंग किस क्यों मारा था? तुम बहुत ओपन हो ना, इसलिए ऐसा किया था। तुम कितने लोग आए हो? वैसे तो 4 लोग आए, लेकिन तुमसे मजा करने वाले, सॉरी बात करने वाले सिर्फ 3 ही हैं। क्यों, चौथे को क्या हुआ? वो कल शाम को उसकी शादी है ना, इसलिए। कल शादी है और ऐसे काम करने में उसे शर्म नहीं आती क्या? उसे फोर्स करना गलत होगा, लेकिन हमारा करना गलत है क्या? वैसे भी कल त्योहार है, सोचकर आज खाना खाना छोड़ देते हैं क्या? सबका अलग अलग तरीका है। ठीक है, टाइम देख कर मैं इशारा करूंगी। आज तो मजा आएगा। क्या हुआ? कहाँ गया? बाहर आने के लिए बोल रही है, वर्कआउट हो चुका है। क्या बाहर आने को बोल रही है? Is everything is okay? मजा आ गया। और लोगे? नहीं नहीं बस बस। अरे ले लो ना। अरे बस। You want one more? ये तुम्हारे नाम पर तारा। Love you तारा। ए चल उड़ गई। चलो 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 चल चल चल। यार जल्दी चल। ए, ए, चल क्या चल, है चल। ए, बोलो कहाँ है? अबे छोड़ ना उसे, चल जल्दी चल। ए, क्या है यार, अचानक से क्या प्रोग्राम है? जा 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 जल्दी कर। अभी ये लड़की कौन है? तू मैं देख लूंगा। आज हमें छोड़ दे यार, ये पार्टी नहीं देता बस ये समझ ले। अरे दोस्त आना यार, लेकिन ये चीज किसकी है? चल बैठ जा, चल बैठ। अबे कहाँ जा रहा है ये तो पता? अरे कहाँ लेकर जा रहा है? आज आपको मेरी शादी है याद है ना? फास्ट फास्ट चल जल्दी चल। हाय वो हमारी जीप लेकर भाग रहे हैं। अरे कैमरा ऑन कर यार, सबको यहाँ पे आ जाओ। चलिए कैमरा ऑन कर जल्दी, चल निकल। ए क्या यार, ए ठीक से नहीं आ रहा हूँ, सभी लोग नहीं आ रहे। ठीक से खड़ा हो, नीचे से लेना, मैं तुम्हें कहाँ से बनाऊंगा? ठीक से लेना चाचा, बताता हूँ। एक फोटो खींच दो। ये मैडम कौन है? मैडम जिगरी दोस्त है हमारी। हेलो मैडम। हेलो, जस्ट अ मोमेंट भैया, आप पीछे हो ना। अरे मुझे क्या पता। Ready brothers? Yo! ओए सबा नजदीक आओ।
ओके ब्रो, एक्सप्रेशंस रिपीट हुए हैं पर फोटोज एकदम मस्त हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी पर भी डाल दो, जो भी फोटो देखेगा मुझे याद करेगा। बात अच्छा चला। चलो ब्रो, बाय बाय। कम बेबी कम। बाय। ए ओपन करना। बोला यार। अबे। अपनी फोटो ले रहा था या हमारी? ए चाचा। चाचा नहीं, बापू तेरा। ग्रुप फोटो खींचने को बोला तो सेल्फी खींच के चला गया। इस फोन का कवर तो बहुत अच्छा है। सिर्फ कवर? फोन अच्छा नहीं है क्या? फोन भी बहुत अच्छा है। तो फिर रख लो ना। नहीं सैयद। अरे परेशान मत करो, चुपचाप रख लो। लड़की मांगे तो फोन क्या, ये मोटा अपनी किडनी निकाल के भी दे सकता है। कम से कम सिम तो ले लो, उसमें कॉन्टैक्ट्स। सब यहाँ फीड है, इंसान ने फोन को बनाया है, फोन ने इंसान को नहीं। देखना मुझे ऑस्कर जरूर मिलेगा, मेरी मेमोरी पावर के लिए। ए बाबू, थोड़ा ज्यादा ही हो रहा, कुछ कम करेगा तो अच्छा होगा। इसीलिए रात में चपाती खाता हूँ मैं। हेलो। ए मामू, रूम सेट कर दिया यार। वॉचमैन को सेट करके तुमको कॉल करता हूँ, तुम लोग रेडी रहना, ठीक है? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? प्रदीप का कॉल था, उसने सब कुछ सेट कर दिया, बस गाड़ी वहाँ पे रोक देना। ए, एक घंटा कहकर बाहर में ले आए, आधा घंटा बोलकर बाहर ले आए, अब टाइम 3 बज चुके हैं। आज शाम को मेरी शादी है यार, प्लीज यार, मेरी शादी से तो मत खेलो तुम लोग। अरे मामू प्लीज यार, समझने की कोशिश कर यार, बड़ी मुश्किल से एक प्लेस सेट हुआ है, बस आधे घंटे का काम है, तुम्हें फूलों पर रखकर घर छोड़ देंगे, इसे समझाओ ना यार। एक बार के लिए भाई, मान जा यार, ये सब बाद में भी देख सकते हैं, अभी तुम सब घर चलो, मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो क्या? हम कभी और मिल सकते हैं? क्यों, अभी क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है, अब 3:30 को NGBS से चमेला जाने वाली बस एक ही है, अगर वो मिल जाएगी तो वहाँ से मेरे गांव पूले पाली जाने वाली पहली बस मिलेगी। लेकिन ये सब अचानक? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे उन्हें देखने का मन कर रहा है। अच्छी है कहानी, बहुत अच्छी है। उससे बचने के लिए तुमने उस वक्त हमारा इस्तेमाल किया, अब हमारे पास से किसी और के पास जाने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ए तू चुप हो जा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? मेरी माँ को लिवर कैंसर है, 2 महीने से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। रेस्टोरेंट जाने से पहले बहन ने कॉल करके बताया कि माँ सीरियस है, यही बात उसे बताती तो उसे यकीन नहीं होता, यकीन ना करके मुझ पर और भी कड़ी नजर रखकर मुझे वहाँ से निकलने नहीं देता, यही सोचा। खुश नसीबी है कि आप लोग मुझे मिल गए, तुमने हमें इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी कहानी बनाई, एक काम करो, इसी बात को अपने फोन पर टाइप करके इमीडिएटली फेसबुक पर पोस्ट कर दो, और नीचे अपना फोन नंबर अकाउंट नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलना। दया करने वाला तुम्हारा अकाउंट नंबर देख लेगा और मजा करने वाला तुम्हारा फोन नंबर देख लेगा। ए तेजा, तू ये क्या बकवास कर रहा है बे? नहीं तो क्या यार, इसकी झूठी कहानी पे हम लोग यकीन कर लेंगे? इसने हमें इतना बुद्धू समझा हुआ क्या? सब नाटक कर रही है। फ्रेंड होने के नाते तुम कुछ भी बोलोगे चुपचाप सुन लूंगा क्या? 2 घंटे पहले मिलने वाली लड़की के बारे में तुम क्या जानते हो जो इतना बुरा कह रहे हो? अपनी जरूरत के लिए वो थोड़ा सा क्लोजली क्या मूव हो गई? तुम लोग उसे गलत समझ रहे हो? क्यों, अपनी जरूरत के लिए कभी झूठ नहीं बोला है क्या? तुम्हें भी बाकियों की तरह बनना है क्या? ए, तुम्हारी नजर में वो अपनी माँ को बचाने के लिए जो भी कर रही है, अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं, जो जी में आएगा वो बोलेगा तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। ठीक है, चलो उसे बस स्टॉप तक छोड़ के आते हैं, चलो गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगा। ए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आना या नहीं? मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। अबे चलिए आप बैठिए। मेरे लिए मत लड़िए, उनका कहना मैं मान लेती हूँ, नहीं तो मैं दूसरी बस से चली जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, आपने हम पर भरोसा करके हमसे मदद मांगी है। वैसे भी उनकी पूछने पर मैंने पार्टी नहीं दी क्या? कल शादी रखकर आज कोई भी ऐसा करता है क्या? फ्रेंड्स को वैल्यू देकर ही तो ये सब किया है। वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, आप बैठ जाइए, टाइम हो रहा है। चलिए यार। ये मलेश यादव है, यही तो रोज परेशान करता है पैसों के लिए। ये कौन है भैया, रात को हमसे भी ज्यादा बड़े बेवड़े निकले। तू यहीं रुक बे। ए तू चल यार। सर
सॉरी सर, सडनली आपको आते ही देखा नहीं। क्या बे, सडनली आएगा तो ठोक देगा क्या बे? अपने भाई जो है ना, सडनली ही आते हैं। भाई सर, कहीं और रख के गाड़ी चला रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा और वो कौन है? तारा है भाई। अरे तारा है तो ऊपर होना चाहिए, नीचे क्या कर रही है? भाई प्लीज, भाई भाई छोड़ दो ना प्लीज। गाड़ी कौन ठीक करेगा? तेरा बाप? जाकर गाड़ी ठीक कर। प्लीज प्लीज। नाम के जैसे ही चमक रही हो। हाँ, कितने में बात हुई है? बोलती क्यों नहीं, गूंगी हो क्या? क्या लुक दे रही हो? तुम्हारी आंखों में इतना पावर है तो बॉडी में कितना करंट होगा? चूने पर शौक तो नहीं लगेगा? इज्जत से पेश आओ। क्या बात है, बहुत उड़ रही हो, उन बटलों को देख कर ना। अरे मुझे देख, अच्छा लग रहा हो ना? आजा। वो बटली नहीं है, पंच मार दूंगी। अच्छा, अरे दुर्गा इसने पंच मारा, जरा हंस दे। मुझे हंसी नहीं आई, तुझे पूरी तरह से एंजॉय करने के बाद ही दिल खोल के हंसूंगा। ये ले, और पंच पे हंसी नहीं आती भाई, कुछ पंच से ब्लड भी आता है। चलो यार। Don't lie, you bloody! What the hell are you talking, Naresh? मेहरबानी करके मुझ पर शक मत करो। I didn't do any kind of wrong with Kaushik last weekend. अपने ब्रदर के साथ वो घर आया था। He's a very good friend of my childhood, यार। You slept with him. I have seen his WhatsApp TP. वो फोटो हमारे बेडरूम की है। You are such a cheater. Naresh, try to understand. Get lost. Leave me alone. एक हफ्ते शहर से बाहर गया तो तूने ये सब किया। अगर एक महीने शहर के बाहर चला गया तो पता नहीं कितनों के साथ enjoy करोगी तुम। Can't trust you anymore. So you'll not listen to me, right? Huh? Just wait and watch what I can do in front of your eyes. I kill you right now. Better you listen to me. मैंने कुछ नहीं देखा मैडम। You bloody bugger! I will see you now. मैं क्या करती हूँ देखो। Oh what the hell man! नेहा, please नेहा, नेहा I'm sorry नेहा, please नेहा रुको, मेरी बात सुनो नेहा, देखो मैं sorry बोल रहा हूँ, नेहा, go away, नेहा. नेहा मेरी बात सुनो, नेहा I'm sorry, देखो मैं sorry बोल रहा हूँ नेहा, मैं मेरी गलती थी, मैंने तुम पे शक किया नेहा, please नेहा, नेहा please. क्या कर रहे हो जी, नेहा जी? नेहा प्लीज, नेहा मुझसे गलती हो गई नेहा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुमसे, प्लीज ये सब मत करो नेहा, प्लीज मेरी बात तो सुनो. नहीं जा रहा है ना नेहा, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज नेहा, जस्ट वेट, प्लीज अच्छे से देखना, प्लीज नेहा, वन मोमेंट नेहा, ऐसा मत करो नेहा, प्लीज नेहा प्लीज. ओ शिट शिट. सर चकेला बस कितने बजे की है? ऑलरेडी एक बस जा चुकी है भाई. ओह नो, ठीक है मैं नेक्स्ट बस में चली जाऊंगी. नहीं, आप इसी बस से जाओगे, बैठिए. तारा ये वही वाली बस है ना? नहीं वो नहीं है. हे विष्णु, वो है. स्टॉप स्टॉप, बस रोकिए, बस रोकिए, बस रोकिए, रोकिए, अरे बस रोकिए, प्लीज बस रोकिए. कैसी बस है यार? स्टॉप स्टॉप, बस रोकिए. अरे जल्दी करना, डीजल खत्म हो गया. अरे वो आगे निकल रही है. इसी वक्त डीजल को खत्म होना था. ओह शिट, अब क्या करें? शिट. कैसी गाड़ी है यार? टाइम नहीं है, जल्दी करो. ओ गाड़ी पीछे लो. भैया गाड़ी में डीजल पूरी तरह खत्म हो गया, काफी दूर से धक्के मार के लाए हैं, आप ही थोड़ा रिवर्स में ले लीजिए प्लीज. क्या रिवर्स करें, हमें और हमारी गाड़ी को पीछे जाने की आदत नहीं है, समझा? आज तक इसे रिवर्स गियर में डाला ही नहीं. सर को शादी में जाना है, चुपचाप गाड़ी पीछे लो. तुम्हारे सर को शादी देखने जाना है और मुझे शादी करने जाना है, थोड़ा सब करो. ए टलवाना भाई, तू भरना चल. भैया वो क्या है ना कि पंप खराब हो गया. आप क्या कह रहे हैं?
ए, मैंने बोला ना हटा। क्या बोल रहे हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्या रे, गाड़ी हटाने बोला तो रुबाब दिखा रहा है। ओ, साथ में लड़की है ना, ये लड़की है या आइटम है? हाँ हाँ, जो तुम्हारी कार में है वो कौन है? स्टॉप स्टॉप, अरे कब से चिल्ला रहे हैं, रोको गाड़ी, रोको, अरे रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। थैंक्स विष्णु, आप लोगों की मदद जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इट्स ओके तारा, तारा तारा वन सेकंड, ये लो इसे रखो। थैंक यू विष्णु। हाँ, चलो चलो, बाय बाय। चलो यार, ए चल। ए, ब्रेक नहीं लग रहा यार। क्या, अरे क्या हुआ? बहुत थ्रिलिंग है यार। अरे सुपरस्टार गीला हो गया। पुलिस चेकिंग हो रही है यार। ए रोक 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 रोक, साइड में लो, साइड में लो, साइड में लो। रुको 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 रुको, चल जावे। थैंक यू सर। उतरो उतरो, नीचे उतरो। अपना ठीक है, इंजन बंद कर। वादा करोगे तो ऑफ कर दूंगा। क्या है वो? स्टार्टिंग प्रॉब्लम है गाड़ी में, धक्का लगाओगे तो मैं ऑफ करता हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो? गाड़ी किसकी है? महिंद्रा कंपनी की है, उन्हें पैसों की जरूरत थी, हमें बेच दिया। ए, नखरे दिखा रहा है, गाड़ी किसकी है पूछा तो कंपनी का नाम बोल रहा है। गाड़ी किसके नाम पर है? पहले कागज निकाल, चल कागज निकाल, कागज निकाल, कागज निकाल, जल्दी। होम मिनिस्टर का बेटा है ये, बाजू में कौन है? ये मेरा भाई है। भाई है मेरा। क्या करता है? उसे हेल्प करता हूँ। किस बात पे? सारे मामलों में। मेरी भी करेगा क्या? हाँ, हम बोलेंगे तो करेगा। तो प्लीज मेरे प्रमोशन के बारे में बात करो ना। डोंट वरी सर, कल सुबह 10 बजे तक आपकी पोजीशन में वेरिएशन आ जाएगा, देख लेना। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ए जाने दो भाई को, जाने दो जल्दी। भाई महाकाली, महाकाली पुलिस स्टेशन। देखा बेचारों को, मुझे प्रमोशन दिलाने के लिए जान की परवाह किए बगैर वो कितनी स्पीड से जा रहे हैं। हाँ सर, आपका प्रमोशन 150 के स्पीड से दौड़ रहा है सर। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे पागल भी होते हैं? लाइव देख लिया ना। वैसे यार, सुबह तक उसकी पोजीशन में वेरिएशन आ जाएगा, किस कॉन्फिडेंस से बोला? इसके कॉन्फिडेंस से। अबे ये क्या किया तूने? उसके पास से ये चुरा लिया? आराम से सेल्फी लूंगा यार। उसके लिए पुलिस की गन ही चाहिए थी क्या? होटल में उसने गन नहीं दिया तो मैंने इसकी ले ली। अरे जाकर लौटा देते, गाड़ी घुमा चल। क्या बोल रहा है? अगर वापस गए तो तेरी शादी मंडप में नहीं पुलिस स्टेशन में होगी। समाज सेवा करके पैसे उड़ा दिए, अब तो खुश है ना? मेरी शादी नहीं हुई है और कुंवारा तो ये भी है, तू एंजॉय कर। ए मेरी भी सेल्फी। पुलिस आ रही है। ए, चल 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 चल, पुलिस जीप है। ए, निकल निकल, चल चल चल। लगता है पीछे पड़ गए, मैं पहले ही कह रहा था तुम लोग मेरी सुनते कहाँ हो? अब क्या करें? तेज चला, भागा भागा, और तेज चला, जल्दी। ओ, ओ, लेफ्ट में ले, लेफ्ट में। रुको यहां पर। कहां गए ये लोग? शिट, भाग गए कमीने। अरे मैंने बोला था ना प्रॉब्लम हो जाएगा, अब तो मेरी बात सुनकर। ए प्रदीप, प्रदीप का हा? प्रदीप कहाँ चला गया? शिट, ए, ए, लगता है वो कहीं गिर गया। फोन लगाना उसे, चल।
फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ए, चल चल कर ढूंढते हैं। सॉरी यार, सब मेरी वजह से हुआ है। पार्टी के लिए जिद नहीं करनी चाहिए थी मुझे। देख भाई, अब यहां से चलते हैं, नहीं तो तेरी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। वो तो घर आ जाएगा यार। कैसे आएगा यार, वो कहां है पता नहीं, किस हाल में पता नहीं, उसे ऐसे छोड़कर। मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, तू घर जा। ए, हम चार आए थे, तीन हो गए और अब दो बचे हैं अकेले मंडप में। तुम सब होगे तभी मेरी शादी होगी। चल बैठ। अरे अचानक लाइट चली गई यार, कैसी गाड़ी है ये? ए धुआं निकल रहा है गाड़ी से, गाड़ी रोक। गाड़ी में पानी है क्या? देख इसमें पानी नहीं है। अरे यार कहीं मिलेगा क्या? देख क्या, चल। अभी कहां मिलेगा, लाइट भी नहीं है। इस घर का गेट खुला है। हेलो मैडम, हेलो सर, कोई है? हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, पानी मिलेगा क्या? ये तो पूरा घर ही खुला है। हेलो मैडम, कोई है क्या? इस लाइट की ऐसी की तैसी, अभी जाना था इसे। अरे विष्णु, अरे पकड़ो उसको। अरे विष्णु, ये पुलिस स्टेशन है, भाग जा। भाई तू भाग जा। ए, उसे भी पकड़ो। ए विष्णु, छोड़ दीजिए, उसकी शादी होने वाली है। चल चल। एक रात के अंदर इतना बड़ा पंगा खड़ा कर दिया और ऊपर से आज शाम को तूने शादी भी रखी है। ए राजू भाई, इसमें कमाल की बात क्या है पता है? इन्होंने तारा को मुझसे बचाकर उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसे सामने से पैसे और दे दिए। ये सच है भाई। पागल कहीं के। वो लड़की इनके पास से पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई होगी भाई। तारा को छूने का और उसे डांटने का हक सिर्फ मेरे पास है। वो कोई पासारू लड़की नहीं है। अगर उसके बारे में एक भी शब्द बोलने की गलती की तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर नहीं जाएगी। लेके जाओ नालायक का। तारा मेरे साथ एक खूबसूरत फूल की तरह रहती थी। अभी मुझे उसकी खुशबू मिलने ही लगी थी कि तुम लोगों ने उसे मुझसे दूर कर दिया। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। ए, तुम्हारी होने वाली पत्नी अभी इस तरह से तैयार होके बैठी है, पूछ रही है कि तुम कैसे दिख रहे हो। बता दूं? नहीं भाई, नहीं नहीं। बता दूं? नहीं भाई, ऐसा मत करे। जिस तरह भूखे शेर के पास से कोई शिकार चुरा कर ले जाता है तो उसे जितना बुरा लगता है वैसा ही ठीक मुझे आज लग रहा है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। इस वक्त ठीक 10 बज रहे हैं,
शाम के 5 बजे तक तारा यहाँ पर दिखनी चाहिए। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो तेरी शादी भी नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तू कभी भी जिंदगी में शादी करने के लायक नहीं रहेगा। ए राजो, ध्यान रख इसका। ठीक है भाई। ए, तुझे शिकारी बोला इसका मतलब ये नहीं कि तू ताकतवर है। मैं इस जंगल का शेर हूँ। तेरी होने वाली पत्नी मेरे हाथ में है, ध्यान रखना। अगर जरा सी भी होशियारी की तो अंजाम बुरा होगा, याद रखना। चाय ले। थैंक यू सर। ए, रेगुलर डायल करने वाले नंबर ही तो हैं। एक बार ट्राई करना। अरे सर कहा ना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तू थोड़ा सा याद करना, हमारे ऑफिसर विजिटिंग करने वाले हैं यहाँ, मेरी नौकरी चली जाएगी, कोशिश करना। अपनी वाइफ का नंबर बताइए। हाँ? क्यों? अरे आप बताइए ना। स्वीटी होगा, देख। नाम नहीं है सर, नंबर बताइए। 98493। हाँ। 32। हाँ। 44। कहा था ना मैंने, सेम प्रॉब्लम सर। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। कैलकुलेटर आने के बाद गणित, कंप्यूटर्स आने के बाद किताबें, और सेलफोन आने के बाद सब लोग अपनी याददाश्त भूल गए। अब मैं क्या करूं? लेफ्ट, लेफ्ट। ये तो मलेशिया दो लग रहा है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गया। अगर इसने पहचान लिया तो जान से मार देगा। अब क्या करूं? इसे कहीं देखा है मैंने? कभी दारू पीने के बाद देखा होगा भाई, नशे में हमें किसी का चेहरा याद नहीं रहता है ना। सैयद का फ्रेंड हो ना तुम? मर गया मैं तो। हाँ भाई, तुम्हें शॉप के पास ही देखा था। बच गया। सैयद ने शॉप खोला, उसके लिए पैसे मैंने ही दिए थे। तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले लो। लिफ्ट दो ना भाई। इसने मुझे पहचाना नहीं या ना पहचाने का नाटक कर रहा है। ये क्या चल रहा है? भैया ये हीरो कौन है? तुम्हारी रासलीला ही है राजा। हा? सच में आग ही लगा दी ना। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। क्या बोलती हो, 1 लाख अपन ले लें इससे? उसमें उतना सीन नहीं है, लेकिन तुम चुप रहो, मैं डील करती हूँ। लुक बड़ी, शाम के 5 बजे तक 2 लाख रुपए देकर ये वीडियो डिलीट करवा दो, वरना नेक्स्ट मिनट ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह फैल जाएगा, देख लेना। वीडियो में तुम भी हो? ओह, तो इतना कॉन्फिडेंस। ए, एक बार प्ले कर। पिक्चर ही देखते रहेगा क्या? जा, जाकर पैसे लेकर आ। एक कॉल करने के लिए मुझे फोन दोगी क्या? कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छी है, तुम्हारे ही फोन से हमने शूट किया है। पैसे देना, फोन लेके जाना। चल। ओए मिस्टर यूनिवर्स, अगर केस किया, कंप्लेन किया, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा किया ना, तो इस वीडियो को सबसे पहले तुम्हारे फोन के कॉन्टैक्ट्स में भेज दूंगी। लूट गया। शाम तक 2 लाख रुपए देने, कैब बेचने की सोचू तो फाइनेंस में है। मैं बिना बात के इन लोगों के जाल में फंस गया। शाम को मेरे सारे दोस्त शादी में मजे कर रहे होंगे। कैसे कटे जिंदगी तेरे बिना जाने जा,
कैसे भूलूं मैं तुझे, तू ही बता जाने जा। मेरी यादों में बसी तुम, तू ही मेरी लफ्ज में हो। तेरी यादों ने मुझे बड़े ही रुलाए। तेरी मेरी प्रेम कहानी है, तू ही बता कैसे जीऊं तेरे बिना। तेरी मेरी प्रेम कहानी है, तू ही बता कैसे जीऊं तेरे बिना। हेलो विष्णु। सॉरी रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग नंबर भी दे दिया तूने? सर याद नहीं आ रहा है सर, माँ कसम। मासूम की तरह नाटक करते हुए क्यों अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है मुझे? 64 सर याद आ गया सर, लास्ट नंबर 46 नहीं 64। जल्दी 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 जल्दी, माँ कसम सच बोल रहा हूँ सर, आप नंबर लगाइए, जल्दी कीजिए नंबर लगाइए। अगर ये रॉन्ग नंबर निकला ना तो लॉकअप के अंदर ही तेरी डेथ होगी। सर पहले नंबर तो लगाइए ना। हेलो विष्णु, उससे तुम्हारा क्या काम है? पहले उसको फोन दे। शुक्रिया। बात क्या है पहले ये बता। ए, जानता तू किससे बात कर रहा है? ए, मैं हर किसी से ऐसे ही बात करता हूँ। महाकाली स्टेशन ऐसा ही, महाकाली हूँ मैं। तो मैं भी नानी हूँ। क्या नानी, कहाँ के नानी हो तुम, किसके नानी हो? नागोल नानी हूँ मैं, नया आया है क्या? हर स्टेशन में मेरे फोटो लगे हुए हैं, जाके चेक कर। विष्णु जी कहाँ है? उससे क्या काम है तुझे? वो मेरा गन सर बताना नहीं सर। वो क्या है कि वो मेरा बहुत क्लोज है। उसको फोन दे दो, मुझे बात करनी है। हमने इसे किडनैप करके रखा है ना, शायद इस बात का पता किसी को चल गया है, इसीलिए एसआई ने इंक्वायरी के लिए हमें कॉल किया है। रॉन्ग नंबर है, जाने दीजिए, मना कर दीजिए उन्हें। किसी ने आपसे मजाक किया है, ये विष्णु का नंबर नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, ये रॉन्ग नंबर है। सॉरी सर, दिमाग में जितने नंबर थे बता दिए, अब आगे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, मुझे माफ कर दीजिए, जाने दीजिए ना प्लीज सर प्लीज। हेलो सैयद, रॉन्ग नंबर। हेलो प्रदीप, मैं तेजा बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, HDFC क्या सहायता कर सकती हूँ? HDFC बैंक, मुझे अर्जेंटली 2 लाख की उधारी चाहिए, मिल सकता है क्या? आप एम्प्लॉय है? नहीं सॉरी, जॉब मिलने के बाद कॉल कीजिए। जिंदगी झंड हो गई। क्या हुआ छोटू, किसको फोन लगा रहा है, इतना उदास क्यों है? अपने क्लोज फ्रेंड को मेरे भाई। इतने क्लोज हैं कि नंबर ही भूल गया? मोबाइल में ही नंबर सोचकर कभी याद ही नहीं रखा। तो मोबाइल कहाँ रखा? एक लंबी कहानी है भाई। ओ समझ गया, तू भी उसी बेबी से परेशान है ना, कितना फाइन डाला है। क्या भाई, तुम्हें कैसे पता चल गया? भाई रात को उसके घर घुसते वक्त रेंज रोवर की तरह जाते हैं, और सुबह वापस आते वक्त रोड रोलर जैसे तुम्हारी तरह थके हुए आते हैं। कुछ वक्त पहले मेरी यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट हुआ करती थी, और इसके बाद फैमिली भी गई, रेस्टोरेंट भी गया, उसके बाद यहाँ दुकान लगाकर उसे देखते हुए धंधा करता हूँ। तेरी बर्बादी देखने तक चैन से नहीं सोऊंगा। जन्मदिन पर साड़ी खरीदी, शादी के दिन साड़ी खरीदी, अब तुझे साड़ी क्यों चाहिए, तुझे कीड़े पड़े? वो नहीं, वो पत्नी से परेशान है। इतने दिनों से अहिंसा अहिंसा बोलकर तेरी हिंसा सहन की, अब मुझसे नहीं होगा। पुलिस स्टेशन जाकर गृहिणी अत्याचार का केस करूंगा और तुझे जेल में डालूंगा, समझ ले। अरे केशव, एक सिगरेट दे यार। दुनिया की सारी औरतें ऐसी होती हैं कि सिर्फ मेरी पत्नी ही ऐसी है? सब ऐसी है यार। ये कौन है यार, मेरी बातों से सहमत हो रहा है, इसे भी धोखा मिला है क्या? धोखा नहीं मिला है भाई, मेरी तरह चोट खा चुका है। छोटे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसे सर? इन औरतों को, इन्हें मौका नहीं मिलता इसीलिए बच गए, वरना इनको मौका मिलता तो अपने को ही गर्भवती बनाकर चली जाती। चलो पुलिस स्टेशन चलो। नहीं सर, पुलिस स्टेशन के तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज तुम्हारे और हमारे साथ अन्याय हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं किसी मर्द के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। चल मुझे नहीं जाना, चल मेरे साथ। वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? वो चोट लग गई थी ना, उसी पर मरहम पट्टी करवा के आ रहे हैं इधर से। आप दिखने में तो इतने पावरफुल लगते हैं, आपको किसने मार दिया भैया? वो क्या है कि भैया एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो बंद कर, क्यों झूठी कहानी बोल रहा है तू? तो सच आप बता दो। कुछ लड़के एक लड़की का गैंगरेप कर रहे थे तभी। ओ नेक्स्ट। मैंने अपने धैर्य और हिम्मत का प्रदर्शन किया उन्हीं लड़कों के हाथों। वही
मैंने उन्हें तब तक मारा जब तक उनके शरीर से खून नहीं निकल गया, उसके बाद वो भाग गए। आपने उनको मारा तो चोट आपको कैसे लगी भैया? हाँ, वहीं पर लॉजिक मिस कर रहे हो। बॉक्सिंग रिंग में जीतने और हारने वाले को जो चोट लगती है वो थोड़ी फर्क है, लेकिन ये चोट तो कॉमन है यार। सही भैया, आप तो सुपर हो। आपकी हिम्मत देखकर तो वो लड़की आप पर फिदा हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी छोटे, मेरा मन उस लड़की पे आया तो भी मेरा मन किसी और लड़की के ऊपर लॉक हो चुका छोटू। ओहो, तो आपकी भी प्यार वाली कहानी है। उस प्यार का नाम फातिमा है। अबे बेवकूफ, फातिमा नहीं, फातिमा। ओहो, लड़की का नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे पहली बार उसे कहाँ देखा था? पहली बार उस स्त्री को एक स्त्री वाले के पास देखा था। एक दिन वो आएगी। अरे सुन भाई, जल्दी से दोनों को स्त्री करके दे दे। भाई मेरे हिसाब से इस दुनिया में अंडरवेयर को स्त्री करने वाला कोई आयरन मैन नहीं बना है। जो कहा है वो करेगा या असल के साथ ब्याज भी देगा? करने में क्या है जी, कर दूंगा। लेकिन ये काफी गंदे लग रहे, धोया नहीं क्या? धोया होता तो स्त्री क्यों करवाते भाई? भैया भैया। हाँ बोलिए। शाम को शादी है, अर्जेंटली करके दोगे? इससे भी ज्यादा अर्जेंट है क्या बहन? ए, औरतों की इज्जत करना हमारी संस्कृति है। लेडीज फर्स्ट, चुपचाप कर। बस बहुत हो गया। रहने दे भाई, जला के छोड़ेगा क्या? अगर आप उसके सामने कोई महान काम कर दोगे तो वो सीधे आकर आपके गले लग जाएगी भैया। सच में हक करेगी क्या? भैया आजकल की लड़कियां लड़कों में मर्दानगी नहीं देखती, बल्कि वो तो अच्छाइयां ढूंढती हैं लड़के के अंदर। सच में छोटू, मैंने तुम्हें लिफ्ट दिया, तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। ए दुर्गा, रास्ते में कोई ढाबा आए तो बोलना, छोटू को अच्छा नाश्ता करवाएंगे हम। भाई भाई, उसके फोन पर डीएसपी का फोन आ रहा है। भाई फोन मत उठाना, लगता है इसकी किडनैपिंग की बात डीएसपी तक पहुंच गई है। भैया उस पर उतना दम नहीं है, डीएसपी मतलब देवीश्री प्रसाद, शाम को उसकी शादी है भाई, शादी का कुछ काम होगा इसलिए फोन किया होगा भाई। हेलो, फोन उसे दे रहे। हेलो डीएसपी, तुझे फोन क्यों कर रहा है रे? भैया भैया भैया, वो फोन मत उठाना प्लीज प्लीज, वो मेरे पापा है। हा? तेरे पापा डीएसपी है? नहीं नहीं भैया, वो उनका नाम है। ठीक है, बिना किसी चालाकी के उसे लेकर आना, अगर होशियारी की तो तेरी डार्लिंग के साथ साथ तेरा डीएसपी भी मेरे हाथ में है, समझ गया ना? ओके भाई। सुपर। मेरे फोन पर भाई एक कॉल करना है, अपना फोन दो ना प्लीज। भूल जा प्लीज भाई, अर्जेंटली मेरी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, दो ना भाई अपना फोन। अबे शर्म कर, शाम को शादी है और गर्लफ्रेंड से बात करनी है, कैसा आदमी है बे? मैं शादी उसी लड़की से करने वाला हूँ भाई। अच्छा हाँ, और क्या? फिर भी नहीं दूंगा, अबे बैलेंस नहीं है। प्लीज प्लीज भाई, फोन में 222 का फुल टॉक टाइम करवा कर दूंगा। प्लीज प्लीज अन्ना, लेकिन स्पीकर पे बात करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ बोलो। सॉरी रॉन्ग नंबर। क्यों छोटे, नंबर भूल गया क्या? कोई एक नंबर में सो रहा है भाई। होने वाली बीवी का नंबर याद नहीं है? चला। आपके फोन में नेट बैलेंस है क्या? फेसबुक पे अगर गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरा करियर चौपट। एक बार और दो ना भाई प्लीज भाई। नहीं दूंगा, भाई को पता चल गया तो मार देंगे। आपको चाहिए तो 2GB का 4G का डेटा पैक करवाऊंगा। क्या 4G? हाँ 4G यानी
4G मतलब उससे लड़कियां जल्दी जल्दी पटेंगी। क्या सच में? हाँ फिर तो देता हूँ। थैंक्स भाई। ये ले। ए छोटू क्या कर रहा है? वो उसको हाल ही में पेटीएम का रिचार्ज किया था ना भाई, तो उसका नंबर उसी में होगा। यस आई गॉट इट। मिल गया भाई। कट क्यों कर रही है? हेलो वंदना, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। हे विष्णु, किसका नंबर है ये? वो सब बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मेरे फोन पर कोई भी कॉल्स या कोई भी मैसेजेस मत करना, समझ गई ना? क्यों क्या हुआ? अरे मेरा फोन गुम गया है, वो सब बाद में बताता हूँ ना, पहले मैंने जो बोला वो करो। ओके बाय वंदना। ए ट्रिपल टू टॉक टाइम। वंदना हाँ बोलो। इस नंबर पर 222 टॉक टाइम 2GB 4G डेटा करवा दो। ओके ओके भरवा देती हूँ। अबला अरे कहाँ चला गया तू? तुझे ही तो शादी करनी थी ना, शाम को शादी है और तू अभी तक घर नहीं लौटा। क्या माँ, पापा का तो ठीक है लेकिन आप भी भूल जाओगी तो कैसे चलेगा? वंदना के साथ शादी फिक्स होगी तो चिरुकुला बालाजी के टेंपल जाऊंगा, बोला था ना? हाँ मैं तो भूल ही गई थी। हाँ लेकिन मैं नहीं भूला, इसीलिए मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर आया। ठीक है अच्छे से दर्शन करना। हाँ अच्छे से करूंगा माँ। अरे विष्णु तुम्हारे हर काम में एक मतलब होता है, हम जानते हैं बेटा। पापा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो, तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ ये डर लगता है। बस इतना ही, तुम्हें ना समझने की वजह से नहीं। ऐसा सोचकर हर बार तुम झूठ मत बोलना बेटा। छोटे हमारी फील्ड में हर तरह की स्टोरी होती है लेकिन लव स्टोरी नहीं होती है, जरा अपनी तो सुना, बोर हो रहा हूं। किस मुंह से खड़े हैं ये लोग यहां पर, जाने के लिए बोलो। क्या जबरदस्त फ्लैशबैक है यार। भाई वो एक्चुअली मेरी वंदना से मुलाकात होने से पहले उसके पापा से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर वो कैसी है? लेफ्ट लेग के लोअर पार्ट में मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके हैं, फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। इकलौती बेटी है मैडम, किसी भी तरह उसका पैर ठीक कर दीजिए मैडम। इसके लिए कम से कम 1.5 लाख का खर्चा होगा, आप 1 लाख डिपॉजिट कर दीजिए, हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। 1.5 लाख बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले यार, तुमसे काम कराने की खुशनसीबी उस कंपनी की होगी, पक्का ये जॉब तुम्हारा ही है, मैं बोल रहा हूँ ना, लिख कर ले ले। देखना बंद कर अभी। अरे सैयद का, हेलो सैयद बोल। दीपू का एक्सीडेंट हो गया यार। ठीक है भाई मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ बोल विष्णु। अरे भाई अर्जेंटली 1 लाख रुपए कैश की जरूरत है, फ्रेंड की सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है। अभी कहां से होगा यार, प्लीज कैसे भी ट्राई करना यार। ठीक है यार मिलते ही तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। ओके भाई। मुसीबत में मन की तकलीफ को जानकर समझने वाले को ही सच्चे दोस्त कहते हैं। ए जरा गाड़ी रोकना 2 मिनट। हाय विष्णु कोटेशन जबरदस्त है ना? अच्छा यार फेसबुक पर डाला तो 1 घंटे में 1000 लाइक्स आ गए। ए कैलाश मेरे लिए एक फेवर करेगा? हाँ बोलना। सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया यार, अर्जेंटली 1 लाख रुपए चाहिए, प्लीज अरेंज करवा दे। पैसे चाहिए पर इतने तो नहीं है। सॉरी विष्णु
सारा मनी स्टॉक में लगाने की वजह से पूरा पैसा ब्लॉक हो गया। कम से कम एक क्रेडिट कार्ड तो अरेंज करा दे, वन वीक में कैसे भी करके लौटा दूंगा। प्लीज यार, इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं तो सारे कार्ड्स कैंसिल कर दिए हैं यार। अरे मैं चाहे कितनी भी तकलीफ में हूँ तुझसे कभी एक रुपया भी नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझसे आज पहली बार मांग रहा हूँ। यानी मैं कितनी तकलीफ में हूँ ये सोचना छोड़कर बहाने बनाकर झूठ क्यों बोल रहा है यार। माँ कसम यार, यकीन कर। अरे कम से कम झूठ बोलते वक्त तो माँ की कसम मत खा यार। ऐसी बात नहीं है यार, फेसबुक पर तुम्हारे पोस्ट पे कितने लाइक्स आए वो जरूरी नहीं है, असली जिंदगी में तुम्हें कितने लोग पसंद करते हैं वो है। वैसे भी वो सारे कोटेशंस बड़े बड़े लोगों के अनुभव है। फ्रेंडशिप की अहमियत ना जानने वाले तुम जैसे लोग ऐसे मैसेजेस तो फॉरवर्ड किया ही मत करो, आगे से ऐसा कभी मत करना। गुड बाय। हाँ विष्णु। अंकल अर्जेंटली 1,00,000 रुपए चाहिए। अंकल 1,00,000 रुपए चाहिए? आंटी को फोन कर देता हूँ, घर पर जाकर ले लेना। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हाँ सुनो विष्णु। अंकल चेक देना मत भूलना। ठीक है अंकल। ठीक है ना, जल्दी से अंकल के घर चल। क्या पहले वाले तो वापस किए नहीं? एक पैसा नहीं दूंगी। अरे बात तो सुनो दुर्गा। पिछले साल मेरे भाई के जन्मदिन पर रिंग दूंगा ऐसा कहा था, अब तक तो दी नहीं, याद है ना? बेवजह बेकार लोगों को घर पर मत भेजना, मैं कुछ नहीं दूंगी। फोन रखो। कमाई तो कुछ है नहीं, समाज सेवा करनी है इन्हें। राजा की तरह ऑर्डर करते रहते हैं। ए तेजा, अकाउंट में पैसे आ गए यार। हा? चल बैंक चलते हैं। ए तेजा, डन यार। थैंक गॉड। हेलो। हेलो, मैं आंध्रा बैंक दिलसुख नगर ब्रांच से बात कर रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, कौन है रे? पता नहीं यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बात बात करना। हेलो हेलो विष्णु, कट कर रहा है फोन। हेलो हेलो कट कर दे। कब से कोई कॉल कर रहा है यार, देख जरा कौन है। हाँ हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। मेरी बात विष्णु से हो रही है क्या? ले यार। हाँ बोलिए। देखिए विष्णु, किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट होने वाला 1,10,000 रुपए गलती से आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, और आपने 1,00,000 निकाल भी लिए हैं। जो पैसे आपने निकाले उसे तुरंत वापस कर दीजिए। हेलो 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 विष्णु, हेलो हेलो। क्या यार, ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं यार, मैंने भी पहली बार सुना है। फिर से उन्हीं का फोन है। इधर दे। हेलो हेलो विष्णु। सर सॉरी सर, फ्रेंड की सिस्टर के एक्सीडेंट की वजह से वो पैसे किसी और फ्रेंड ने जमा किए हैं, हमने हॉस्पिटल में दे दिए सर। 2 डेज का टाइम दीजिए ना सर, मैं उस बीच आपको लौटा दूंगा। हेलो विष्णु, ये कोई बनिया की दुकान नहीं है कि थोड़े दिन रुकने के लिए कह रहे हो, बैंक है ये। ड्रामा करना बंद करो और पैसे वापस करो। प्लीज सर, समझने की कुछ। हेलो, हमने डालने के लिए बोला था क्या सर? अपना अकाउंट नंबर देकर पैसे डालने के लिए हमने बोला था क्या? जो करना है कर लो, हम पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। अब दोबारा यहाँ फोन मत करना। क्या बोलती है यार? सर, ऐसे इज्जत से पेश आओगे तो ये लोग नहीं मानेंगे। इनसे पैसे कैसे वसूलना है मैं आपको बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। दीपू को मिलना है तुझसे। आजा चला। भैया मेरे ट्रीटमेंट के लिए हेल्प आपने ही किया ना? थैंक यू भैया, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। तुम्हारी हेल्प मैंने नहीं की है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी आराम करो।
सुनो, सुपरमार्केट जाकर आता हूँ, बैग देना जरा। विष्णु आपका ही बेटा है? हाँ जी, आप लोग अंदर आइए। मेरा नाम वसंत राव है, दिलसुख नगर आंध्रा बैंक का मैनेजर, और ये है असिस्टेंट मैनेजर। हेलो सर, आइए सर, बैठिए। आपका बेटा घर पे नहीं है लगता? हाँ जी, नहीं है। लाख रुपए हाथ में होंगे तो वो क्लब या पब में रहेगा, घर पे क्यों रहेगा? ये कैसी बात कर रहे हैं सर, उसके फ्रेंड की सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है, रात भर वो हॉस्पिटल में है। ओहो, तो सबको एक ही कहानी बता रखी है उसने। कहानी सुनाने में तो आपका बेटा एकदम ब्रिलियंट है, लेकिन उसका कैरेक्टर घिरा हुआ है। मेरे बेटे के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैसा है मुझे पता है। असल में बात क्या है बताइए। छोटी सी गलती की वजह से उसके अकाउंट में 1,10,000 जमा हो गए। इसके पहले कि हमें पता चले उसने 1,00,000 रुपए खर्च भी कर डाले। आपको गलतफहमी हुई है सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो क्या हम आपको वैसे दिख रहे हैं? पैसे लौटा दीजिए, हम चले जाएंगे। असल बात क्या है मुझे पता नहीं है, मैं कैसे पैसे दे दूं आपको? आपके बेटे ने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए आपको पैसे लौटाने होंगे। फोकट में बैठकर खाने की आदत है आप लोगों की, ये देखकर ही समझ में आ रहा है। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले सर, पुलिस के पास जाकर चीटिंग का केस डलवा देते हैं, तब अकल आएगी इनको। बैग लो बेटी, नाना जी को बाय बोलो। बाय दादाजी। बाय बेटी। बाय। सुनो शैलजा। बोलिए चाची जी। ये गहने रखकर 1,00,000 रुपए दे दो। ये क्या चाची जी, पैसों की जरूरत है तो ले लीजिए, लेकिन उसके लिए इन सब की क्या जरूरत? नहीं बेटा, व्यवहार की बात है। ये लीजिए। थैंक्स बेटा। पता नहीं क्यों पापा, ये लोग अपने घर में 5 साल से भाड़े से रह रहे हैं, कितनी भी मुसीबत आई हो कभी भी 1 रुपया तक नहीं मांगा, आज जेवर रख के पैसे मांग रही, पता नहीं क्या बात है। बेटी, एक औरत जब अपना मंगलसूत्र गिरवी रखती है तो या तो वो किसी की जान बचाने के लिए या फिर किसी की इज्जत बचाने के लिए। चलिए, तुम ही हो ना विष्णु, आज तुमने जो कांड किया है ना उसकी वजह से हमें ये मजबूरन करना पड़ा। कैसा लगा? जो करना है कर लो, यही बोला था ना तुमने, तो देखो वसूली करके जा रहे हैं हम। टेंशन में डाल दिया था तुमने, मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी तुम्हारी वजह से। चलो हटा। देखा ना सर, इतना होने के बावजूद भी इनका घमंड नहीं उतरा। चीप गाइस। अरे छोटे, आगे क्या हुआ? टायर पंक्चर हो गया। वो नहीं छोटे, अरे वो बैंक वाला बदमाश। भाई इज्जत से बात करो ना, मुझे लड़की देने वाले वही मेरे ससुर हैं। सॉरी छोटे, वो शादी के लिए राजी हो गया? पहले स्टेप नहीं बदलते है ना, पहले नाश्ता करूंगा फिर बताता हूँ। तुझे ऐसी हालत में भूख लगी है? भूख का सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है भाई, उसे जब लगना होता है वो बिना बताए लग जाती है। छोटू, और कुछ चाहिए क्या? नहीं भैया, थैंक यू। ए, एक डोसा बोल मेरे लिए। दो स्पेशल डोसा। दूसरा किसके लिए? मेरे लिए भाई। हाँ, बहुत ठूस रहा है बे। ए विष्णु, तू यहाँ पर कैसे यार? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये हुआ यार। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे पहचाना नहीं, वरना अपनी जीप से ही मुझको कुचल देता। मेमोरी लॉस पेशेंट होगा।
भैया ये मेरा बेस्ट फ्रेंड विष्णु। नमस्ते भाई। तुम्हें कहीं देखा है मैंने। ये भी फातिमा के एरिया में रहता है भैया। जी भाई करेक्ट है। तुम सैयद के फ्रेंड हो ना? और अब सैयद को उधारी देने वाले हो ना? कभी कभी आप ब्याज की वसूली करने आते थे तब मैंने आपको देखा था। अरे भैया सैयद आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताता था, कैसे आप गरीबों का सहारा बनते हो, यही सब बातें बड़े गर्व से बताता था। वो आपका बड़ा फैन था भैया। वो तो सबका प्यार है। ओके भैया तो हम निकलते हैं। जाओ जाओ निकलते हैं। ठीक है जाओ। ए रुक रे, तुमने जो बोला वो सच था ना? क्या है वो? अरे भाई भैया अगर कोई महान काम करेंगे तो फातिमा उन्हें गले लगा लेगी, सही है ना? अबे यार वो गले ही नहीं लगाएगी बल्कि वो तो किस भी करेगी। किस भी करेगी क्या? ए चल यार। एसआई साहब। चले तो एसआई साहब। नमस्कार साहब। नमस्ते। जल्दी से मेरी कंप्लेन लिखे, गृहिणी हिंसा के तहत केस दर्ज करके मेरी बीवी को जेल में डालिए। ए मेंटल, औरतों पे केस करने वाला है ये कानून। पता है सर, घरेलू हिंसा कानून, निर्भया कानून, सब कुछ औरतों के लिए है क्या? ओनली सी टीम सर, यू टीम के लिए नहीं है। रूल्स में सुधार कीजिए सर, आप नया कानून बनाइए सर और उसको लागू कीजिए सर। ए, जो चाहे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, ये राम कथा नहीं लिखी गई है, संविधान है। इसीलिए तो सर आप बनाइए बोल रहा हूँ। सर औरतों पर हिंसा करने वाले आदमी नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मर्दों पर हिंसा करने वाली औरतें बहुत है सर, इसीलिए मर्दों को बचाने वाला सेल ओपन कीजिए सर। सर सेल ओपन कीजिए सर। सर सेल ओपन कीजिए, जल्दी सेल ओपन कीजिए सर प्लीज सर। एक सर उठिए, आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मर्दों को बचाने का कानून बनाइए सर। सर मैंने सेल ओपन करने के लिए कहा था, ये वाला नहीं सर। उठ गए। ए तेजा तू यहाँ कैसे आ गया? मैं यहाँ पूछ रहा हूँ वहां क्यों देख रहे? हेलो विष्णु है क्या? हेलो। हेलो नए दुल्हे। बोलिए नई नवेली दुल्हन जी। तुम्हारी सासू माँ मेरी सासू माँ से बात करना चाहती है। अरे वही मेरी माँ तुम्हारी माँ से बात करना चाहती है। ओ मेरी माँ से बात करना चाहती हैं। तुम्हारी माँ बात करना चाहती, वो भी अभी? क्यों घर पर नहीं हो क्या? वो अभी घर पे ही हूँ। एक मिनट रुक जाओ। माँ माँ। हाँ आ रही हूँ बेटा। क्या शाड़ा पीस है तू? हेलो माँ, सासू माँ लाइन पर है, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। कुछ नहीं भाभी जी, लड़की के लिए शादी की साड़ी लेनी है ना, वो साड़ी आप यहाँ भेजोगे या सीधे मंडप लेकर आओगे? बस यही पूछना था। शादी अगर घर पर होती तो हम लोग वहीं पर भेज देते, पर अब शादी हॉल में हो रही है तो वहीं लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। दामाद जी क्या कर रहे हैं? वो पास में ही है, अभी बात करवाती हूँ। आंटी सब ठीक है ना? हाँ बेटा क्या कर रहे हो? सारे काम हो चुके आंटी, मंडप में जाने के लिए कार कितनी चाहिए वही डिस्कस कर रहा था आंटी। क्या बे? क्या मस्त कवर किया इसने। वो क्लेवर इसलिए उसने कवर किया, तेरी तरह डफर नहीं है। तू क्या? ठीक है बेटा जल्दी आ जाना। हाँ जाएंगे आंटी बाय। सर बचपन में पढ़ाई याद नहीं करता था तो टीचर मारती थी सर, और अब नंबर याद नहीं तो आप मुझे मार रहे हो सर। फोन नंबर तो याद नहीं है लेकिन मेरी गन ले जाकर के तुमने क्या किया? कहीं पैसे के लिए किसी को बेच तो नहीं दिया? मदर प्रॉमिस सर, गन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, झगड़ा होने के बाद मैं इनसे अलग हो गया था, एक लड़की ने मुझे लूट लिया, मैं उसके जाल में फंस गया हूँ सर। वीडियो भी बनाया है सर, HD क्वालिटी में सब क्लियर दिखेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है? अबे सुन, अगर मेरी गन मुझे नहीं मिली ना तो मैं तुम दोनों का एनकाउंटर कर दूंगा। सर कानून बनाने के लिए बोला था, क्या हुआ सर, बना कि नहीं सर? मैं तुझे समझाता हूँ। बोलिए सर। अरे बाप रे मर गया मर गया। सर आपसे तो मेरी बीवी की हिंसा अच्छी है सर, कम से कम वो खाना तो देती है ना, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। अब भाई यही गांव है। क्या हो गया?
छोड़कर चली गई भाभी। बेटा तारा, मेरी बच्ची, बेटी, मेरी बेटी, बेटी, अपनी माँ को बचाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की। भाभी की माँ की डेथ हो गई। एक काम कर, उसे फोन दे। भाई का फोन है, चल बात कर उनसे। ए, उसके आगे चाहे हाथ जोड़ने पड़े या उसके दुख में शामिल होना पड़े, शाम के 5 बजे तक वो मेरे पास होनी चाहिए, वरना तेरी होने वाली पत्नी मेरी हो जाएगी। याद रखना। ए, तुम दोनों उसकी शादी के मंडप पे जाके मुझे फोन करो, बाद में क्या करना है मैं बताता हूं। ठीक है भाई। हेलो भाई साहब, हम मंडप में पहुंच गए, आप निकले क्या? पूजा हो रही है भाई साहब, होते ही निकलता हूँ। ठीक है जल्दी निकलिए। हाँ, क्या हुआ लक्ष्मी, आया क्या? फोन नहीं लग रहा जी। विष्णु के नंबर पर फोन करो। हेलो। ए विष्णु, हम स्कॉलर स्कूल के पास हैं। यहाँ से शादी के मंडप तक कैसे जाना है? इन सारे बकवास लोगों का फोन आ रहा है, स्विच ऑफ कर। ये नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या कर रही है वो भी? दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है भाई। उसका मजाक सिर्फ 10 मिनट तक ही चलेगा, क्योंकि इसके दिए हुए टाइम में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। अगर मेरा फोन नहीं आया तो उसे वहीं से उठा लाना, शादी के मुहूर्त में उसके साथ सुहागरात मनाऊंगा, वो भी उसके होने वाले पति के सामने। एक नहीं 100-100 बार मनाऊंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं मानेगा। भाई को फोन किए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए, अगर लेट किया ना तो हमें मार देंगे। चल उसे उठाते हैं। ए, रुक जा। क्यों बे, मुझे मारोगे? हाँ मुझे मारोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं लोगों की प्रॉपर्टी छीनने का धंधा करता हूँ और तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी छीनोगे। तुम लोग अब तक जिंदा थे क्योंकि तारा को तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, पर अब नहीं रहोगे। तैयार हो जा। अब शादी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ खून की नदियाँ बहेगी, समझ गए? तारा रुक जाओ। क्या गलत किया इन्होंने जो इन्हें मार रहे हो? मेरी मदद की इसलिए? हाँ, या मुझे तुमसे दूर किया इसलिए? तुम्हें गुंडागर्दी और लड़कियों को छेड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता? तुम बड़े ही हवसी जानवर हो, दूसरों की तकलीफों को तुम क्या समझोगे?
हेलो बाय। ए बड़ू, भाभी माँ आ गई, तुम लोग वापस आओ। ओके बाय। हमारे घर वाले भी बहुत रईस थे। पापा के गुजरने के बाद माँ ने बड़ी ही मेहनत से हमारी परवरिश की है। हमारी माँ को अचानक लिवर कैंसर हुआ, ये जानकर हम सह नहीं पाए, हमारे दुख जैसे बढ़ गए। वैसे भी हमारा कोई भी रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देता, गांव में सबके साथ रहते हुए भी अकेले हो चुके थे। जिंदगी भर तुम मेरा साथ निभाओगे, यही सब कहा था ना तुमने मुझे। माँ को बचाने के लिए कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। हमारी इस बुरी परिस्थिति में अपनी इस खूबसूरती को बेचकर ही सही माँ को बचा लूंगी, यही सोचकर तुम्हारे पास आई थी। सब ठीक है, माँ ठीक हो जाएंगी, यही सब सोच ही रही थी कि बहन ने तभी कॉल करके बताया कि माँ सीरियस है। यही बात तुम्हें बताती तो तुम यकीन नहीं करोगे जानकर, तुम्हारे जाल से बचने के लिए मैंने खुद एक रास्ता ढूंढ लिया था। बुरे हालातों से बचने के लिए लड़कियों को उनकी खूबसूरती का ही सहारा लेना पड़ता है। उसी सहारे का इस्तेमाल इनके पास करके अपनी माँ को आखिर में जीते जी तो देख पाई। मेरे वापस लौटने का कारण तुम नहीं, विष्णु है। मेरी इतनी मदद करने वाले मेरे दोस्त विष्णु को इतने बुरे हालात में देखूंगी ये कभी सोचा नहीं था। धोखा देने वाले को भूल सकते हैं लेकिन मदद करने वाले को नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए मैं तुरंत ही आ गई। मेरे सीना फाड़कर रोने पर भी मेरी माँ लौटकर वापस नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आने से दो जिंदगियों को बचा लूंगी यही सोचकर यहाँ आई हूँ। तुम सजी धजी लड़कियों को देखते ही पागल हो जाते हो ना, इसीलिए तुम्हारे लिए सज धज कर आई हूँ। अब आ गई ना, तुम चाहते थे इसीलिए तो मैं आ गई। उन्हें छोड़ दो, विष्णु को खुशी से जाकर शादी करने दो, उन्हें जाने दो। चलो भाई, एक काम को अच्छे से करवाने में और मेहनत से करवाने में फर्क होता है। प्यार भाई, एक मुट्ठी भर के प्यार। भाई तुम तारा के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये मैं उसी पल जान गया था जिस पल तुमने तारा के लिए उसे मारा था। अगर तारा के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोलने की कोशिश की तो उसकी लाश भी घर नहीं भेजूंगा। तुम्हारा ऐसा करना कुछ और नहीं था, प्यार ही है। एक बार इसकी लाइफ में तो जाकर देखो, तुम्हारी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी याद रखोगे। चलता हूं भाई, थैंक यू तारा। लक्ष्मी, विष्णु का फोन आया है। हेलो विष्णु। पापा ऑटो, हम लोग सीधा मंडप ही पहुंचेंगे, आप लोग अभी निकल जाइए। हाँ, ठीक है बेटा, हम लोग निकलते हैं। ओके पापा। चल जल्दी चल। ए, तुम लोग मुझे गन नहीं लौटाओगे ना, सो मेरी जॉब का जाना कंफर्म है। उससे पहले मैं तुम लोग का एनकाउंटर करूंगा। कम से कम सर्विस में मैंने दो चोरों का एनकाउंटर किया, ये क्रेडिट तो मिलेगा। फाइनली तुम लोग मरने वाले हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा कोई हो तो बताओ। सर, मैं मरने से पहले एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। सर, मुझे इन दोनों फिल्मों के डायलॉग लिखने हैं सर, एक बार मौका दे के देखिए सर। ए, अपनी इच्छाएं मर के अगले जन्म में पूरी करना। ड्रॉप द गन। ए विष्णु, ए डोंट टन ड्रॉप द गन। अपनी आखिरी इच्छा क्या है बता, करता हूँ। फर्स्ट और लास्ट इच्छा मेरी यही है सर, इन लोगों ने मेरी गन चुराई है, वो ही चाहिए। लौटाएंगे तो क्या करोगे? मेरी गन दे दे, मैं छोड़ दूंगा। छोड़ देगा ना? हाँ, घूम जा, घूम जा। मेरी गन, मेरी गन मुझे दे दो, दे दो ना प्लीज। तुझे गन चाहिए या मैं चाहिए? दे दो प्लीज, मेरी गन दे दो मुझे। तो फिर आ जाओ, प्लीज प्लीज मेरी गन दे दो। वन दे दो, टू, भागने के लिए रेडी। क्या क्या गजब है यार, हाथ में गन भी है फिर भी टेंशन है। आइए भाई साहब आइए, दामाद जी कहाँ है? फ्रेंड्स के साथ पीछे वाली गाड़ी में आ रहा है। ओह अच्छा, सॉरी यार,
उस दिन मुझे तारा के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना चाहिए था। अरे छोड़ यार। वैसे भी एक लड़की के बारे में गलत बोलने पर दूसरी लड़की ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। और इससे तुझे क्या समझ में आया? रोड साइड का खाना ही गंदा नहीं होता, रोड साइड का बेड भी खतरनाक होता है। बस कर यार। अरे विष्णु, तेरी एंगेजमेंट की वजह से हम सबकी इच्छाएं पूरी हो गई भाई। मलेश यादव को पकड़कर मारने की मेरी इच्छा, हीरो की तरह गन के साथ सेल्फी लेने की प्रदीप की इच्छा, और तेजा की तो शादी से पहले ही सुहागरात बन गई। हम तीनों की इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो बस तुम्हारी शादी देखनी है भाई। नेक्स्ट यही है यार। क्या हुआ जी, क्यों रुक गए? लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी किसी क्लब में ही देख लिया होगा, आप घर से ज्यादा तो क्लब में रहते हो ना। चलिए अंदर। जीजा जी, जीजा जी, दूल्हे को कहीं देखा जैसा लग रहा है, रेसलर की तरह स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कहाँ मिला आपको? ओएलएक्स में साले साहब। ओएलएक्स में? कहीं सेकंड हैंड तो नहीं? अरे साले साहब, बच्चे ओएलएक्स पर ही मिले और वहीं प्यार भी हो गया। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर प्यार होते हुए सुना था, ओएलएक्स पे भी प्यार होता है क्या जीजा? आजकल कुछ भी हो सकता है। रुकिए मैं आता हूँ। क्या ओएलएक्स से प्यार भी खरीद सकते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते वसंत राव। नमस्ते। प्लीज कम सर, प्लीज कम, आप यहाँ बैठिए प्लीज। क्या बात है वसंत राव, पहले तुमने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, फिर हाँ क्यों बोल? आदमी का गुस्सा स्वास्थ्य के लिए तो खराब है ही, लेकिन उसके तकदीर के लिए भी खराब है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि सब ठीक हो गया। बेटा, मिनिस्टर साहब ने जो लेटर दिया था लिया है ना? लिया है पापा। ओके। इसका पैर ठीक होने पर दर्शन के लिए आऊंगी ऐसी मन्नत मांगी थी, विष्णु की मेहरबानी से सब अच्छा हो गया। देख लीजिए, हमारे कहने पर आप भी आए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। दीदी कैसी हो? मैं हूँ सुप्रिया का भाई, गौरी शंकर दीदी। ओ, सुप्रिया के भाई हो ना? हाँ। दीदी ठीक है ना? सब अच्छे हैं दीदी, मेरी भी हाल ही में यहाँ पोस्टिंग हुई है। अच्छा, चलिए दीदी हमारे कोटा से आपको वीआईपी दर्शन कराता हूँ। नहीं भैया, फ्री दर्शन से ही जाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं हूँ ना, चलिए। भैया वैसे भी भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, बस उतना ही काफी है, हम चले जाएंगे। भगवान के दर्शन के लिए इंसान के रिकमेंडेशन की क्या जरूरत है बेटा, हम चलते हैं। चलती हूँ भैया। चलता हूँ सर। क्या यार, मैं बैंक का मैनेजर हूँ और मुझे ही रोक रहे हो, मिनिस्टर साहब का रिकमेंडेशन भी लेकर आया हूँ मैं। आपका कहना सही है सर। रोकने वाले मुझे? सर ये हमारी ड्यूटी है सर। इतनी दूर से हम तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए यहाँ पर। यहाँ झगड़ा क्यों हो रहा है? सर वीआईपी दर्शन के लिए मिनिस्टर साहब से रिकमेंडेशन लेटर लेकर के आए हैं, इसमें लास्ट मंथ की डेट है सर। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा तो बोल रहे हैं कि मैं बैंक ऑफिसर हूँ, इस पर झगड़ा कर रहे हैं सर। वसंत राव जी हो, नहीं चलेगा, आप क्यों में खड़े होकर दर्शन कीजिए। इनसे झगड़ा करके क्या फायदा जी, क्यों में खड़े होते हैं? क्यों खड़े होंगे हम, यहाँ घंटों क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए वहाँ क्यू में खड़े होकर लेटर लेकर आए। सर खुद को बैंक एम्प्लॉई कहते हो ना, एक्सपायरी डेट वाले चेक्स पास करते हो क्या? हमारे रूल्स के खिलाफ है ये, हमारे रूल्स के खिलाफ है। करना है तो फ्री दर्शन कीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। सुनो सर, हटाओ इन्हें। चलिए सर। एक मिनट, देखिए मिनिस्टर साहब के पीए ने गलती से लास्ट मंथ का डेट डाल दिया होगा, इन छोटी छोटी बातों को समझा करो यार। चलो बेटा। अरे क्या कर रहे हो? सुनिए, चलिए। अरे क्या कर रहे हो? मुझे धक्का मारते हो? मुझे छोड़ो, नहीं क्या समझते हो तुम मुझे? ड्यूटी पर रहने वाले कांस्टेबल पर हाथ उठाएगा? रुक जाओ शंकर। हम इन्हें जानते हैं, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें कुछ मत करो। दीपू, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए किसने हेल्प किया था पूछ रही थी ना, वो देखो इन्हीं अंकल ने किया था। अंकल आज मैं इस तरह से चल पा रही हूँ इसका कारण केवल आप हैं। आप बहुत अच्छे अंकल, थैंक यू। उनकी अच्छाई ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और उनके संस्कार ने मुझे शादी के लिए हाँ करने पर मजबूर कर दिया। माफ करना क्या होता है इन्हें देखकर सीखा है मैंने। हम पत्थर से पेड़ को कितना भी मारें लेकिन वो हमें फल ही देता है, बिल्कुल वैसे ही महान है ये लोग भी।
रुकना मत, चल चल जल्दी जल्दी हॉल के पीछे चल। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू छोटे। पापा? अरे विष्णु, कहाँ चला गया था? ये चोट कैसे लगी? अरे वो रास्ते सब बाद में पूछ लेना, पहले तैयार तो होने दो। ठीक है, चेंज करके आता हूँ। वही रूम है ना, जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। अंकल पता है असल में क्या हुआ? अरे था? कौन सा नया काम हुआ होगा? तुम लोगों ने बकवास काम किया होगा, मेरे बेटे की बलि चढ़ गई होगी और बाहर निकलने के लिए इतना टाइम लग गया होगा। वो तो तुम्हें छोड़कर आ नहीं सकता ना, और तुम लोग उसे नहीं छोड़ सकते। अरे जा जल्दी, बाजू का रूम खाली है, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ ठीक है। अरे जाओ जल्दी। जा रहे हैं। विष्णु, इस साड़ी में कैसी लग रही हो? Obviously, fabulous. Thank you. आ गए बेटा? अगर मैं नहीं आया तो वंदना की शादी रुक जाएगी, ये सोच के दया खा के आ गया। अच्छा, naughty. ए, बोला ना इसे हटा। याद आ गया, चीचा जी। चीचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ? इससे वंदना की शादी क्यों करवा रहे हो? ये रात को अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर लड़कियां घुमाता है जीजा जी। इसने तो मेरे साथ भी बदतमीजी की थी। ए, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें गलत लगा होगा, लेकिन हमारे दामाद जी के हर काम में अच्छाई होती है। सोना है हमारे दामाद जी। साले साहब, किसी की अच्छाई में बुराई ढूंढने वाले तुम्हारे जैसे लोग कभी शांति से नहीं रह सकते। ये आग लगाना छोड़कर शांति से रहना सीखो, खुश रहोगे। जा जोर से बजा। अब तो हो गई मेरी शादी। तुमने तारा को समझने के लिए कहा था ना? समझ लिया। मैं हमेशा अकेला रहा, पर अब तारा ही मेरे लिए सब कुछ है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। थैंक यू विष्णु। मुहूर्त निकला जा रहा है, मंगलसूत्र पहनाओ। हेलो, स्माइल प्लीज। अरे ये वही है ना, सेल्फी वाला। मुझे और सैयद को शादी करनी थी, पर बोला कर्जा उतारे बिना नहीं कर पाएगा। आपकी मेहरबानी से कर्जा भी उतर गया। हमें आशीर्वाद दीजिए भैया। इसका तो फ्यूज ही उड़ गया। ऑल द बेस्ट जीजा जी। गुड लक जीजा जी। जाकर अपनी दीदी को भेजो। ए विष्णु। अरे अब क्या है तुझे? अबे तीजा घबरा रहा है, उसका वीडियो तो डिलीट करेगा, तूने ऐसा बोला था ना? वो सब बाद में करूंगा, पहले मुझे कुछ करने दे। सुन दो, चल। अबे चल ना यार, मुहूर्त निकल गया तो अगले 10 साल तक मुहूर्त नहीं है। अबे पहले तू क्या कह रहा है तू? क्या चाहिए, शांति से सुहागरात भी नहीं मना सकता मैं। तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, उस वीडियो को डिलीट कर दे यार, नहीं तो मर के तेरे घर में पैदा हो जाऊंगा। इधर दो। यस, मिल गया। अरे अरे रुकना, ओपन तू कर, बकवास मत कर, तू डिलीट कर यार, जल्दी से डिलीट कर। हो गया। हो गया ना? हो गया। हाँ हो गया। भगवान, आ गया। सुपर। ये यस।
अच्छा तो सेल्फी ऐसे लेते हैं ना? हाँ तो लेता हूँ।